ख़वातीन हज़रात अस्सलाम अलैकुम, आपके मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक हाज़िर खिदमत है। ख़वातीन हज़रात, आज उर्दू इंटरनेशनल के ज़ेर तमाम जिसके रूहे रवां जनाब इशफाक हुसैन साहब हैं, एक मशारा मुनक़द हो रहा है मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में, जिसमें सऊद उस्मानी साहब मेहमान खसूसी होंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शहनाज शोरू साहिबा हाल में मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं और ये आपको इस मुशारे के मुतालिक कुछ बताती हैं। शुक्रिया जी शहनाज शोरू साहब। शुक्रिया जनाब। देखिए, मुशायरे हमारी अदबी रवायत का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है और यह है कि जब से उर्दू ज़बान की तरवीज हुई है, मुशायरे पूरे साउथ एशिया में बिलखसूस बरसगीर में होते रहे हैं। तो मुशायरे एक ऐसी चीज़ है जिसमें अदब से दिलचस्पी रखने वाला या शायरी से दिलचस्पी रखने वाला हर शख्स मौजूद होना चाहता है। आपने ज़िक्र किया है उर्दू इंटरनेशनल का, तो कनाडा में रहने वाले और अमेरिका में रहने वाले बिलखसूस जानते हैं कि उर्दू इंटरनेशनल का इन मुशायरों की तरक्की में या इनके इनेकाद करने में क्या हिस्सा है। और अशफाक साहब का कंट्रीब्यूशन तो किसी से ढका छुपा नहीं है। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो ही वॉज़ द वेरी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुशायरे की बुनियाद रखी है और आज देखिए कि इतना फल फूल गया है कि पूरे साउथ एशियन कम्युनिटी यहाँ पर जुड़ना, यहाँ पर बैठकर शायरी सुनना अपने लिए एक एजाज़ समझती है। सो मैं तो बहुत खुश होती हूँ जब भी मैं सुनती हूँ कि एक अच्छा मुशायरा हो रहा है। और पाकिस्तान से इससे पहले भी बहुत अच्छे अच्छे शायर आते रहे हैं, तो आज सऊद उस्मानी साहब आ रहे हैं तो हम सब उनको सुनेंगे। एंड थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन नहीं है। और हमारी शहनाज शोरू साहिबा डॉक्टर, ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं ये, और शायरी से भी इनकी बड़ी रगबत है, अदब के साथ इनका, मैंने इनकी एक तकरीर सुनी कल परसों, एक इशफाक भाई के एजाज में एक फंक्शन था, तो मुझे ये मालूम नहीं था कि अदब पे इतनी ज़बरदस्त गिरफ्त है आपकी। बहुत बहुत अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह मौजूद ख़वातीन हज़रात, अभी हम थोड़ी देर में अशफाक हुसैन साहब से भी आपकी बात कराते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात। हमारे साथ उर्दू इंटरनेशनल के रूह रवां अशफाक हुसैन साहब हमारे साथ हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अशफाक हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये मुशायरा हो रहा है, इसके मुतालिक आप कुछ हमें, हमारे नाज़रीन को, हमारे सामेईन को बताना चाहते हैं? देखिए, ये उर्दू इंटरनेशनल के तहत ये मुशायरा हो रहा है, अदबी नशस्त मुशायरा तो इतना नहीं कहेंगे हम, क्योंकि और ये सिलसिला उर्दू इंटरनेशनल के अदबी सिलसिला जो है गुज़िश्ता 42 साल से है, उसी सिलसिले की एक कड़ी है। बड़े बड़े शोर आते रहे हैं। आज जो शायर हैं वो लाहौर से जनाब सऊद उस्मानी साहब हैं, नई नस्ल के शायर हैं बड़े, और उनके अच्छी कई किताबें हैं, मकबूल शायर हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी। कनाडा पहली दफ़ा आ रहे हैं तो हमें मौका मिल गया कि उनके साथ थोड़ी सी अदबी नशस्त कर लें, और ऐसे शायर जो हैं वो हमें यहाँ आएंगे तो अदबी यहाँ के तस्कीन होगी। और कोविड के बाद मिले हैं 2 साल के बाद, तो गेट टुगेदर के बैठे थे तो ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सके, सिर्फ दोस्तों को बुलाई है, दावत दी है कि वह आ जाएँ, तो इस तरीके से दैट्स इट। ये अशफाक हुसैन साहब, ये जो अदबी नशस्तें हैं या मुशायरे हैं, ये जब से आप पाकिस्तान से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उस वक्त से ये शुरू हुआ है? उससे कबल मैं नहीं समझता, मैं 1977 में यहाँ आया तो इस किस्म की अदबी महफिलें नहीं होती थी। ये आपकी सारी कंट्रीब्यूशन है हमारी कम्युनिटी के लिए, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। आपका नवाज, बहुत शुक्रिया। बस वो कहते हैं ना कि वो चराग से चराग जलता रहता है, तो अब तो माशाल्लाह टोरंटो उर्दू का एक बड़ा मरकज़ बन गया है। तो लेकिन आपके बगैर कोई महफिल जो है वो मुकम्मल नहीं होती। नहीं, आपका आपकी मोहब्बत है दोस्तों से, और मैं शुक्रगुजार हूँ दोस्तों साथियों का, जब भी कहता हूँ वो वक्त निकाल के इन प्रोग्रामों में आते हैं, ये बड़ी बात है। आप सबका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात। गालिब ने कहा था, उस बज़्म में मुझे नहीं बनती हया किए, बैठा रहा अगरचे इशारे हुआ किए। तो मुझे हमारे एक हमारे टेलीविज़न के की एंकर ने कहा कि जब तक मैं आपको इशारा न दूँ आप शुरू नहीं कीजिए। तो ख़वातीन हज़रात, आप सबका शुक्रिया कि जब भी उर्दू इंटरनेशनल की तरफ से हम आपको दावत देते हैं, आप लोग आते हैं प्रोग्राम में,
जिस किस्म का ये प्रोग्राम हो अगर उसकी अदबी नौयत हो तो उसमें बाकायदगी से शरीक होते हैं। आज मुझे ये हमारा कोई 42 साल से टोरंटो में अदबी तकरीबात की आगाज़ करता रहा हूँ तमाम। आज मुझे एक साहब ने कहा कि साहब वो एक बड़ी शिकायत वो एक बड़ा सवाल आया है और ज़बान का, और कम से कम आपसे तवक्को नहीं थी कि आप लिखते हैं उर्दू इंटरनेशनल उसके बाद कनाडा लिखते हैं। तो मैंने ये पोस्टर बनाया इसमें से कनाडा निकाल दिया है। ये उनकी मोहब्बत है, हमारे दोस्त हैं मुशरफ हसनी साहब, उन्होंने ये अजरा तोहफा ला कर कहा, कहें अब इंटरनेशनल है तो कनाडा क्यों है। मैंने कहा सवाल तो सही है लेकिन भाई बात दरअसल ये कि उर्दू इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया में है, उर्दू इंटरनेशनल कैलिफोर्निया में है, तो उर्दू इंटरनेशनल नाम हो गया जैसे गुलदस्ता दस्ते सबा या नक्शे फरियादी जो वो नाम हो गया, बाकी जो है ये कनाडा का पता नहीं कि किस मुल्क का है। तो ज़रूरी नहीं कि अब इंटरनेशनल के साथ कनाडा का, थोड़ा पॉज दें उर्दू इंटरनेशनल फिर कनाडा। तो मेरे ख्याल से मुशरफ हसनी साहब आपकी तशफ़ी हो गई होगी, वरना मैं खाली लिखूँगा उर्दू इंटरनेशनल तो कनाडा भी ऑस्ट्रेलिया भी हो जाएगा। बहरहाल और इस नाम के सिलसिले में आपको बताएँ थोड़ी सी अदबी बात हो रही है मन का फ़ज़ा बनाने के लिए कि 1980 में जब फैज़ साहब यहाँ आए तो थोड़े दिन हुए थे मुझे पाकिस्तान से आए हुए, तो मैं वापस जब वहाँ से आया तो पाकिस्तान गया तो वहाँ पर अब हर आदमी का एक सर्किल होता है, जैसे हमारे सैयद उस्मानी है, इरफान है, तो हर शहर का एक सर्किल होता है, तो आपस से आगाह रहते हैं शहर में क्या हो रहा है, कौन लिख रहा है, क्या लिख रहे हैं, तशफ़ी हो जाती थी आपकी। अब जब एक साल के वक्फे के बाद गया तो उन्हीं सर्किल्स में जिनमें मैं बैठता था तो लग रहा था कि वेवलेंथ नहीं मिल रही है, भाई फ़लाँ साहब का क्या हो रहा है, सुरू साहब का तो इंतकाल हो गया, आए हमें इतना ही नहीं, या किसी किताब पे आजकल क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। तो जब मैं वापस आया तो जो यहाँ 80 में फैज़ साहब हमारे हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी पाकिस्तान इंटर कल्चरल इंस्टीट्यूट, उसके ज़रूर वहाँ थे डॉक्टर अब्दुल कय्यूम लोधी साहब, तो उनके यहाँ ठहरते और उसके उनके साथ मैं भी शामिल था, तो एक तरीके से मेज़बान था, तो हम लोग शाम को जाके अक्सर बैठे रहते हैं तो बातें बातें होती थी, उस ज़माने लोग कम थे तो उनसे गुफ्तगु थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा फैज़ साहब मसला ये है कि अभी तो मैं एक साल के से कमर से मैं पाकिस्तान गया हूँ और ये मैं भूल भाल गया कि वहाँ रबते ही नहीं कट रहा, तो ये तो अगर ज़्यादा दिन रहूँगा तो ये शायरी वरी तो गई। उस ज़माने वाजा रहे कि ना हमारा फैक्स तक नहीं था, इंटरनेट तो बड़ी बात है, तो उन्होंने मशवरा दिया कि आप एक पर्चा अदबी रिसाला निकालें, और मैं तो अब हम भी नौजवान थे तो थोड़ी सी आप लिबर्टी ले लेते थे उस ज़माने, मैंने कहा सर फिर आप हमारे साथ होंगे, कह लें हाँ, तो वो इस उर्दू इंटरनेशनल के सरपरस्त बनना कबूल किया उन्होंने उसके लिए खुद। मैंने कहा पाकिस्तान के अदीबों वगैरह को तो मैं जानता हूँ, इंडिया में आप मैं नहीं जानता हूँ, उनके तो उन्होंने ख़त लिखे, राजेंद्र सिंह बेदी को ख़त लिखा, अली सरदार जाफरी को ख़त लिखा, छपे में ख़त खुतूत मोहम्मद हसन साहब को ख़त लिखा कि भई हमारे तरक्की पसंद बरखुरदार हैं तो इन ये कुछ यहाँ करना चाहते हैं, आप हमारी वसात से उनसे दरख्वास्त कीजिए दूसरे से के लिखें, तो नाम पर यह हुआ। अब वो पुराने डिसिप्लिन के आदमी थे तो मेरे जहन में ये था कि हम इंटरनेशनल कहते थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जो लोग उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाएँ, उनका तारुफ हो सके कि ये यहाँ पर रह रहे हैं। उस ज़माने में नहीं था आपस में इतना, थे लोग बड़े बेशतर शोरा, तो मैंने कहा उर्दू इंटरनेशनल, ये नाम उनको पसंद नहीं था। अब देखिए शख्सियत है, कह नहीं इंटरनेशनल नहीं कि उर्दू इंटरनेशनल नहीं कुछ रखें, तो मैंने कहा आपको उन्होंने कहा कि भाई ये रख लें आप दस्ते सबा या सबा या साकी, और उन्होंने कहा तो मैंने कहा ऐसा भी चल नहीं रहा, मैं असल में इंटरनेशनल इसलिए रखना चाहता हूँ कि मुझे बाहर से लोगों को, और वो किया था मैंने से मिस विजन के साथ किया था, ऐसे नहीं कि उठ गए कि ये हांगकॉन्ग में है न्यूयॉर्क में है, ये सब तारुफ जो हमारे शायरों का बिगनिंग इब्तदा में हुआ वहीं से हुआ, हुमैरा रहमान न्यूयॉर्क में थी 8 साल से कोई जानते ही नहीं था, अपने हलके में जानते होंगे लेकिन दूसरे शहरों में सभ्या सभा थी सेंट लुइस में 7-8 साल से नोबडी नो, तो उस मकसद था। तो मैंने कहा कि नहीं मैं उर्दू इंटरनेशनल ही सोचता हूँ, तो उनकी शख्सियत का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि बड़ी शख्सियत का कहना अच्छा ठीक है, मतलब तो काम से है ना, ठीक है, तो इसलिए उर्दू इंटरनेशनल उनकी अमानत से भी है, उनकी इजाज़त से भी है, बल्कि उनसे इख्तलाफ़ करने के बाद रखा गया। तो बहरहाल ये थोड़ा फ़ज़ा बनाने के लिए, क्योंकि मीठे के बाद थोड़ा सा कुछ टाइम चाहिए होता है मीठे को तो उसके लिए मैं जो हूँ आपको कहता कि हमारी आज की जो तकरीब की असल वजह यह है कि हमारे एक बहुत अच्छे उर्दू के शायर लाहौर से जनाब सऊद उस्मानी साहब यहाँ अमेरिका तशरीफ़ लाए हुए थे, और हमने उनको 3 साल पहले बुलाया था
जब हमारे प्रोग्राम के बाद उनको वीज़ा मिला तो हमने कहा आप अगले प्रोग्राम में बुला लेंगे। अगले साल से कोविड हो गया। अब इतफासी आए हुए थे तो मैंने कहा कि इससे फ़ायदा उठा के मौके से और इनको अमेरिका से यहाँ बुलाएं और दोस्तों के साथ नशस्त भी हो जाएगी। तो ये हमारे आज के तकरीब के मेहमान खसूसी हैं और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जनाब सऊद उस्मानी साहब। हम लोग ज़्यादातर उन शायरों और अदीबों से वाकिफ़ थे जो 60s और 70s में जिन्होंने लिखना शुरू किया, और ज़ाहिर है कि यहाँ के रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं कि अब कौन मंजरनामे पे है। तो आधी तो चीज़ हमें सोशल मीडिया के ज़रिए पता चल जाते हैं, लेकिन फिर भी आप जब बराह रास्त मिलते हैं सुनते हैं तो आपका अंदाज़ा होता है कि क्या फेसबुक वाली बात नहीं होती। तो सऊद उस्मानी साहब जो हैं हमारे 80s के बाद जो 90s में जो लोग आए हैं उर्दू अदब पे के मंजरनामे पे, उनमें एक अहम शायर के तौर पर इनकी शनाख्त हुई। इनके बहुत बड़े इल्मी खानवादे से इनका ताल्लुक़ है और इल्मी और अदबी खानवादे से, और इनका जब मजमुआ जो है छप शाया हुआ तो एकेडमी ऑफ लेटर्स पाकिस्तान की तरफ से सबसे उस साल की शाया होने वाली सबसे बेहतरीन किताब करार दिया गया और उसको अवार्ड दिया गया। ये उस किताब के शायर हैं। उसके बाद इनकी कई किताबें आई हैं। ये है कौस है इनकी एक किताब, और ये बारिश है, और एक और किताब है इनकी जलपरी। तो तीन तो इनके मजमूए शाया हो चुके हैं, और एक इनका सफ़रनामा है जो मुसाफिर के नाम से, ये हिंदुस्तान के, तो अपना हिंदुस्तान है, हाँ नहीं छपा कहाँ से, पाकिस्तान से। तो ये मुसाफिर, अच्छा ये सारी किताबें मैंने इसलिए दिखला दी हैं कि ये मेरे लिए लाए हैं। अगर इनके पास कुछ रह गया तो, और इस प्रोग्राम को तावन करने में हमारे साथ इरफान सत्तार हर हमेशा रहते हैं शुरू से, और इन्होंने भी हम लोग इतनी चाय पी रहे थे यहाँ, तो इनको मैं बताना चाहता था कि जब हम लोग मुल्क के बाहर होते हैं आपस में बैठते हैं तो जिक्र करते हैं अपने हम वतन शायरों के, तो इन्हें कहते हैं भैया सऊद उस्मानी से को भी बुलाना चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, दो तीन साल से ही ये बेसिकली इन्होंने रिकमेंड किया। मैंने कहा बात सही है, कोई मशवरा दे, क्योंकि आप अकल कुल तो रहते नहीं है, दोस्त हैं अहबाब हैं जो मशवरा देते हैं, महफिल में बैठते हैं, किसी से मिलते हैं। तो ये इन्होंने चार साल पहले ही बात कही थी, तो ये मेरे साथ इसमें प्रोग्राम शामिल हैं। अच्छा अब ये अदबी नशस्त की मैं मुशारा कम कहूँगा, उसका अदबी नशस्त कहूँगा इसमें, चूँकि मैं बहुत सारे शायरों को नहीं बुला सकता था, वक्त की यहाँ कमी है। तो आपने देखा कि मैंने कुछ थोड़ा सा शोरा का जिक्र किया कि वो पढ़ेंगे, और हर अदबी नशस्त की सदारत का भी किसी को फरीजा अंजाम देना पड़ता है। तो मेरी अभी ख्याल है मैंने कहा किसको सदारत का, तो मेरी नज़र इंतखाब डॉक्टर शहनाज शुरू पर गई। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और आज की इस अदबी नशस्त की सदारत फरमाएं। इनको सदर बनाने में दो फ़ायदे हैं, एक तो ये है कि ख़वातीन की नुमाइंदगी हो जाएगी, स्टेज वैसे भी अच्छा है, वो अल्लामा इकबाल की वो बात सही है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात पर। दूसरा मिसरा मैं पहले नहीं पढ़े, एक ही मिसरा काफ़ी है, तो इनकी वजह से रंग होगा। और दूसरी बड़ी खुशखबरी की बात है कि ये शायरी नहीं करती हैं, तो आपको जो है ये सदारती खुतबा जो है नसर में सुनने को मिल जाएगा, और हम लोगों का कुछ वक्त भी बच जाएगा, और तरन्नुम से भी नहीं पढ़ती ताकि और टाइम कम लगे। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, सऊद साहब आपका खुश आमदेद कहते हैं। ये जो हमारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग आपके प्रोग्राम में आते आपके नाम से वाकई में किसी न किसी तरीके से दोस्तों से, लेकिन हमने इसको पब्लिक नहीं किया। ये हमारी खसूसी नशस्त है, और इसमें जो शोरा कलाम सुनाएंगे उसके अलावा भी वैसे शोरा हैं हमारे यहाँ पर। तार असलम गोरा साहब इन नसरी नज़म का इन्होंने झंडा उठाया हुआ है, हमने इनसे काफ़ी नसरी नज़म सुनेंगे, हम मुशारे में नहीं बुलाएंगे आपको। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं बहुत अच्छे नसर निकाल रहे हैं, आपसे तारुफ की ज़रूरत नहीं है। हमारे सलाहुद्दीन साहब जो हैं, सलमान साहब, सब नसरी नज़म से सलाहुद्दीन की तरफ चला गया, वो थे ना पॉइनियर लाहौर में, तो सलमान साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। इसके अलावा और हमारे दूसरे बहुत से लोग यहाँ हैं, मीडिया के, हमारे
कहने का प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी स्विंग के जनाब अब्बास साहब और आरिफ रजा साहब बैरिस्टर आरिफ रजा तशरीफ़ रखते हैं, हमारे नुमाया लोग हैं वहाँ, हमारे नसीम अमरवी साहब अल्लामा नसीम उनके साहबजादे तशरीफ़ रखते हैं, सैयद अदर साहब नसर बहुत अच्छी लिखते हैं अदीबों ये तशरीफ़ रखते हैं हमारे, और काफ़ी लोग हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, आसिफ जावेद साहब ये मेरे ख़ास वो ग्रुप है तो ये उसकी नुमाइंदगी करते हैं, और मीडिया के हमारे बशीर खान साहब मीडिया के यहाँ बिल्कुल पॉइनियर हैं, 40 साल से मीडिया करते हैं, इनको पिछले दिनों एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की भी हैं, अज़र सलीम हमारे पीआईए के मैनेजर स्टेशन मैनेजर हमारे दोस्त हैं, और पीआईए के हमारे जो हैं वो दूसरे लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो बहरहाल काफ़ी लोग हैं हमारे, पाकिस्तान के बेनज़ीर साहिबा के ज़माने में कल्चरल सेक्रेटरी थे जनाब राशिद लतीफ़ साहब जो पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टिंग के पायनियर हैं, तशरीफ़ रखते हैं, इज़्ज़त अफज़ाई का बहुत शुक्रिया राशिद भाई। तो अब हम अपनी इस अदबी नशस्त का आगाज़ करते हैं कलाम से, जिस शायर के मैं गुजारिश करूँगा जनाब जमील ख़मर साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी गज़ल से हमें नवाजें, और हमारे दो सितारे हैं इस शहर में अशफाक हुसैन साहब और इरफान सितार साहब, ये झंडा इनके सर हमेशा बुलंद रहा है कि इन्होंने अदब की पज़ीराई की है और महफिलें सजाते हैं और हम मिल बैठ के एक एहतमाम होता है अदब के बारे में, और इन अदब के दो सितारों ने एक और एहतमाम किया है, किताब पब्लिकेशन बॉम्बे इंडिया से सितारों के उस पार एक किताब मुरतब हो रही है जिसकी सरपरस्ती अशफाक हुसैन साहब और इरफान सितार साहब करेंगे, और इसमें हमारे कनाडा के रहने वाले जितने अदीब और शोरा हैं मोतबार और नामवर वो हस्तियाँ शामिल होंगी, उनकी तख्लीक उनका फ़न उनकी शख्सियत इसका तज़करा होगा, तो इस सिलसिले में अगर मज़ीद राबता करना है तो आप सीमा नकवी साहिबा से राबता कर सकते हैं, मुझसे भी राबता कर सकते हैं, तो खुश आमदेद सर, तो इजाज़त लेते हैं। सूरत अश्क जो आँखों से रवा रहता है, सूरत अश्क जो आँखों से रवा रहता है, कोई बतलाओ कि वो शख्स कहाँ रहता है, शुक्रिया। सूरत अश्क जो आँखों से रवा रहता है, कोई बतलाओ कि वो शख्स कहाँ रहता है, रात सपने में बुझे दीप नज़र आते हैं, रात सपने में मुझे दीप नज़र आते हैं, सुबह कमरे में बहुत देर धुआं रहता है, शुक्रिया 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 शुक्रिया। रात सपने में मुझे दीप नज़र आते हैं, सुबह कमरे में बहुत देर धुआं रहता है, और इरफान भाई देखिएगा क्या कहा, क्यों नहीं घटती ये अजियत मेरी, क्या कहा क्यों नहीं घटती ये अजियत मेरी, जख्म भरते हैं मियाँ उनका निशान रहता है। आईने से नज़र मिलाने को, आईने से नज़र मिलाने को, भूल जाओ निगार खाने को, आईने से नज़र मिलाने को, भूल जाओ निगार खाने को, कुछ निकलता नहीं मोहब्बत में, कुछ निकलता नहीं मोहब्बत में, याद रखने को भूल जाने को, याद रखने को भूल जाने को, और कैसे पल में मचल गए आंसू, कैसे पल में मचल गए आंसू, क्या हुआ जब्त आजमाने को, क्या हुआ जब्त आजमाने को, और जख्म तर नहीं लगता, जख्म तर नहीं लगता, खुश्क आँखें हैं मुस्कुराने को, खुश्क आँखें हैं मुस्कुराने को, और कुछ न पड़ता हो काश रस्ते में, कुछ न पड़ता हो भाई, कुछ न पड़ता हो काश रस्ते में, सिर्फ रास्ता हो आने जाने को, कुछ न पड़ता हो काश रस्ते में, सिर्फ रास्ता हो आने जाने को, कुछ न पड़ता हो काश रस्ते में, सिर्फ रास्ता हो आने जाने को, और खामोशी आदमी के अंदर है, आदाब,
खामोशी आदमी के अंदर है, शोर भी कम नहीं मचाने को, शोर भी कम नहीं मचाने को, आदाब और वक्त बेताब कुछ ज़्यादा है, वक्त बेताब कुछ ज़्यादा है, ज़िंदगी कम नहीं बिताने को, ज़िंदगी कम नहीं बिताने को, और चाशनी घुल गई है लहजों में, चाशनी घुल गई है लहजों में, काम कुछ आ पड़ा ज़माने को, आदाब आदाब आदाब, चाशनी घुल गई है लहजों में, काम कुछ आ पड़ा ज़माने को, और उसने जल्दी में सच बता डाला, आदाब उसने जल्दी में सच बता डाला, देर इतनी हुई बहाने को, देर इतनी हुई बहाने को, और चंद ख्वाबों को सेंध कर कब से मैंने रखा है घर बनाने को, आदाब और ख़ुद को साबित करो दलीलों से, खुद को साबित करो दलीलों से, जाओ छोड़ो कसम उठाने को, खुद को साबित करो दलीलों से, जाओ छोड़ो कसम उठाने को, और दिल भी बस नाम का मसीहा है, दिल भी बस नाम का मसीहा है, ज़ख्म भरता है ज़ख्म खाने को, और मक्ता देखिएगा कि कब से बैठी है मुंतज़िर सीमा, ये सब भाई की नज़र, कब से बैठे हैं मुंतज़िर सीमा, हम सजाए गरीब खाने को, आदाब हम सजाए गरीब खाने को, आईने से नज़र मिलाने को, कौन जाए निगाह खाने को, बहुत शुक्रिया आदाब, बहुत तालियां तो बजाएं हजरात, सगीर असलम यहाँ है आने को, डॉक्टर सगीर असलम हमारे बड़े इजाफे हैं, टोरंटो में पेशावर से यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रहा इनका, साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छी नज़में और गज़लें कहते हैं, तो तशरीफ़ लाइए जनाब डॉक्टर सगीर असलम। बहुत शुक्रिया आपकी इजाज़त से, मतलब है कि हुजूर है ये तसव्वुर नहीं रहा मेरे दोस्त, हुजूर है ये तसव्वुर नहीं रहा मेरे दोस्त, मेरा जुनून है मोहब्बत का वाकया मेरे दोस्त, हुजूर है ये तसव्वुर नहीं रहा मेरे दोस्त, मेरा जुनून है मोहब्बत का वाकया मेरे दोस्त, और तेरे वजूद से था महफिले वजूद में रंग, तेरे वजूद से था महफिले वजूद में रंग, सो अब कहाँ वो तबीयत वो सिलसिला मेरे दोस्त, सो अब कहाँ वो तबीयत वो सिलसिला मेरे दोस्त, कसाफतों से भरे हैं ये अनफसो आफाक, कसाफतों से भरे हैं ये अनफसो आफाक, और इनका सिर्फ मोहब्बत है तज़किया मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया जी। हर एक वजूद तुझे मानता है रब, लेकिन मेरा तो मान है तू है मेरे खुदा मेरे दोस्त, हर एक वजूद तुझे मानता है रब, लेकिन मेरा तो मान है तू है मेरे खुदा मेरे दोस्त, और वो हाथ मुझको मेरी ज़िंदगी से प्यारा है, वो हाथ मुझको मेरी ज़िंदगी से प्यारा है, जो हाथ तूने मेरे हाथ में दिया मेरे दोस्त, और चेहरे के मेरे सिवा हैं तेरे दोस्त और भी, लेकिन मेरे सिवा हैं तेरे दोस्त और भी, लेकिन मेरा तो कोई नहीं है तेरे सिवा मेरे दोस्त, मेरे सिवा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेरे सिवा हैं तेरे दोस्त और भी, लेकिन मेरे सिवा हैं, बहुत शुक्रिया फरमान, बहुत शुक्रिया, मेरे सिवा हैं तेरे दोस्त और भी, लेकिन मेरा तो कोई नहीं है तेरे सिवा मेरे दोस्त, और मेरी गज़ल में नहीं है तेरे सिवा कुछ भी, क्या बात है, आखिरी शेर है कि मेरी गज़ल में नहीं है तेरे सिवा कुछ भी, रदीफ तू है तुझी से है काफिया मेरे दोस्त, रदीफ तू है तुझी से है काफिया मेरे, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सगीर असलम साहब, मैं दौरान में इसमें जो सब वैसे सारे दोस्त मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करता रहूँगा, ख़ासतौर पर टैग टीवी की मोहतरमा हलीमा साहिबा का,
ताहिर का तो मैं अदा कर चुका हूँ। हलीम साहब टोरंटो 360 के हमारे दोस्त अरशद भट्टी साहब, साबिर गाया, दोनों जो हैं अपनी जगह एक किरदार हैं। और मैं तो बहुत डरता हूँ साबिर गाया साहब से। और हमारे यहाँ पर जो है धरती सोनी के जो हैं नसीन चौधरी साहब हैं, तशरीफ रखती हैं, लियाकत नवाज मलिक साहब जो के भूलू बिसरी यादों के आवाज़ से इन्होंने एक सिलसिला बहुत ही खूबसूरत टेलीविज़न का शुरू किया है, ये आवाज़ पर तशरीफ रखते हैं। शमीम ख़ान साहब हमारे बहुत गुलूकार रहे हैं, यहाँ के 40 साल तक यहाँ की महफिलों को, बल्कि उससे भी ज़्यादा यहाँ की महफिलों को ये अपने गानों से हम वो करते रहे हैं बहुत अच्छे। और हमारे नए सिंगर मोहसिन शौकत अली साहब यह तशरीफ रखते हैं। तो बहुत सारे कहकशां से यहाँ पर मौजूद हैं। आप सब लोगों का शुक्रिया, मीडिया के और लोगों में जो हमारे ये आवाज़ की नजमुल हसन साहब और तशरीफ रखते हैं यहाँ, सब का शुक्रिया। तो और अब मैं गुजारिश करूँगा एक ऐसी शायरा से जो कुछ दिनों के लिए मेहमान होती हैं कनाडा में और आज पाकिस्तान से और सऊदी अरब से उनका ताल्लुक़ है, डॉक्टर हिना अंबरीन तारिक। मैं गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से पेश करें। हर पल दिलाती हैं कि अब तक जो न कर पाई मैं कुछ दिन बाद करूँगी, कि अब तक जो न कर पाई मैं कुछ दिन बाद करूँगी। और शेर देखिएगा, शेर देखिएगा, मेरे जज्बों की शिद्दत तुम नहीं समझे तो फिर एक दिन, मेरे जज्बों की शिद्दत तुम नहीं समझे तो फिर एक दिन, कदर ऐसा मचाऊंगी तुम्हें बगदाद कर दूंगी। मेरे जज्बों की शिद्दत तुम नहीं समझे तो फिर एक दिन, कदर ऐसा मचाऊंगी तुम्हें बगदाद कर दूंगी। इश्फाक भाई ने कहा था कि सिर्फ एक गजल सुनानी है, तो मैंने सोचा एक गजल में कम से कम 7 अशआर तो सुनाएंगे, तो मैं 3 एक गजल के और 4 दूसरी गजल के सुना दिए। होते तो रहे दिल पे बर्बाद कर देंगे आप अगर हमने आपको मना कर दिया। बहुत शुक्रिया। होते तो रहे दिल पे कई बार लगातार, होते तो रहे दिल पे कई बार लगातार, हम करते रहे इश्क से इनकार लगातार। होते तो रहे दिल पे कई बार लगातार, हम करते रहे इश्क से इनकार लगातार। और हिजरत की मुसाफत में खुशी भी है थकन भी, हिजरत की मुसाफत में खुशी भी है थकन भी, चाहे ये सफ़र कितना हो दुश्वार लगातार, चाहे ये सफ़र कितना हो दुश्वार लगातार। और शेर देखिएगा, कंगन होके चूड़ी मेरी बाली होके झुमका, कंगन होके चूड़ी हो मेरी बाली के झुमका, करते हैं तेरे नाम की झनकार लगातार। कंगन होके चूड़ी हो मेरी बाली के झुमका, करते हैं तेरे नाम की झनकार लगातार। और तुम दिल के मकी हो ये बता दी है तुम्हें बात, तुम दिल के मकी हो ये बता दी है तुम्हें बात, सोचों पे भी काबिज हो लगातार लगातार, सोचों पे भी काबिज हो लगातार लगातार। और इस शहर का एक शख्स मेरे दिल में बसा है, इस शहर का एक शख्स मेरे दिल में बसा है, इस शहर से रहता है सरोकार लगातार। हर शख्स ये कह रहा है शेर आपको, इस शहर का एक शख्स मेरे दिल में बसा है, इस शहर से रहता है सरोकार लगातार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी बस में यहाँ अंग्रेज़ी की शायरा हैं, ज़ोरा ज़बरी साहब भी तशरीफ़ रखती हैं सामईन में, मैं उनको खुश आमदेद कहता हूँ।
हमारे रोशन ख्याल साहब हैं मैथिली शायर साहब के साहबजादे और बड़े अच्छे अनाउंसर, बड़ी अच्छी आवाज़ के मालिक, वो भी तशरीफ़ रखते हैं, उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। ये मैं जो आप लोगों का तारीफ़ आपके लिए और अपने लिए नहीं करा रहा हूँ, ये अपने मेहमान सऊद उस्मानी साहब के लिए कि ये जो ये जानना चाहते हैं मैं कौन कौन लोग हैं। मैंने कहे अखबारात के लोग मौजूद हैं यहाँ हमारे, उन सबसे ताल्लुक़ हो जाए तो अच्छा है रब्ता, तो जैसे जैसे नज़र पड़ती जाएगी मैं कुछ इनके लिए ये वो कर रहा हूँ। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब अनीस ज़ुबैरी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हमें नवाजें। जनाब अनीस ज़ुबैरी साहब। सब मेरा कहा अपना सुना भूल गए हैं, सब मेरा कहा अपना सुना भूल गए हैं, क्या या क्या जानिए क्या याद है क्या भूल गए हैं। सब मेरा कहा अपना सुना भूल गए हैं, क्या जानिए क्या याद है क्या भूल गए हैं। वो यूरिश जलवा है कि हैरान है नजरें, वो यूरिश जलवा है कि हैरान है नजरें, हम तिश्ना निगाही का गिला भूल गए हैं, हम तिश्ना निगाह वो यूरिश जलवा है कि हैरान है नजरें, हम तिश्ना निगाही का गिला भूल गए हैं। जो तीर के मानिंद उतरता था जिगर में, जो तीर के मानिंद उतरता था जिगर में, वो खाले रुखे होश रुबा भूल गए हैं, वो खाले रुखे होश रुबा बदला हुआ हर तौर है इस दौरे हवस में, बदला हुआ हर तौर है इस दौरे हवस में, उस शाख भी मरने की अदा भूल गए हैं, उस शाख भी मरने की अदा, और सुल्तान तो मसरूफ़ हैं बस जहद बका में, सुल्तान तो मसरूफ़ हैं बस जहद बका में, और दुर्वेश भी क्या राह फना भूल, दुर्वेश भी क्या राह फना भूल गए हैं। और क्या खूब है नामा शशनी, क्या क्या खूब है नामा कि मेरा नाम नहीं है, क्या खूब है नामा कि मेरा नाम नहीं है, मोहताज हैं या नाम मेरा भूल, मोहताज हैं क्या खूब है, शुक्रिया, क्या क्या खूब है नामा कि मेरा नाम नहीं है, मोहताज हैं या नाम मेरा भूल गए हैं। दीवानगी ये शौक है और अज़्म सफ़र भी, दीवानगी ये शौक है और अज़्म सफ़र भी, मंजिल है कहाँ लपा भूल गए हैं, और तस्कीन दिलो जान था कभी जिनके लिए मैं, तस्कीन दिलो जान था कभी जिनके लिए मैं,
क्या वो भी मुझे नाम खुदा भूल गए हैं, क्या वो भी मुझे नाम खुदा भूल गए हैं। और वो कसरत निसियां है कि कुछ याद नहीं है, वो कसरत निसियां है कि कुछ याद नहीं है। हम रख के कहीं जहन रसा भूल, वो कसरत निसियां है कि कुछ याद नहीं है। क्या हम रख के कहीं जहन रसा भूल, और शिकवा नहीं करते हैं अनीसाए नाएं, शिकवा नहीं करते हैं अनीसाए नाएं। दहलीज पे हम रख के दिया भूल गए, बहुत शुक्रिया। जो हम लोगों ने पुरानी हमने सुना तो नहीं जिगर मुरादाबादी साहब को, लेकिन उनकी जो है उनका तरन्नुम जो रेडियो वगैरह पे कुछ महफूज हुआ, वो एक ख़ास तहजीब की नुमाइंदगी करते थे, तो उनकी गज़ल भी कर रही थी उस तहजीब को, उनकी वोकेबलरी जो है वो भी उसको कहती थी, और जिगर साहब की याद आई। और ऐसे मौके पर हम जहाँ आप सऊद उस्मानी साहब यहाँ जो हमारे मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, उसमें जनाब डॉक्टर अनवर नसीम साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, जो कि पाकिस्तान के नुमाएँ साइंटिस्ट हैं जेनेटिक्स के, और बहुत अरसे तक यहाँ कनाडा में रहे, पूरी कैनेडा फेडरेशन ऑफ कैनेडियन पाकिस्तानी एसोसिएशन जो 1980 में हमारे बड़े ट्रूडो साहब के ज़माने में बनाई गई थी, उसके ये पहले सदर मुंतखब हुए थे, यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, अनवर साहब को खुश आमदीद कहते हैं। और इनके साथ एक और अनवर हैं, ये अकेले अनवर सफ़र नहीं कहते हैं, वो अनवर मर्चेंट हैं, और कनाडा में उनको एंडी मर्चेंट कहा जाता है। ये जो है दिलीप कुमार से के डायलाग सुन सुन के इन्होंने कहा कि मैं तो उर्दू शायरी का आशिक हो गया। तो कोई भी हाँ, ये हमारे मेहमान भाई जो हैं हर मशारे में हमारे शुरू से रहते हैं साथ, जब वो किंगस्टन में रहते थे जब भी आते थे वहाँ रहते थे। और हमारे साथियों में यहाँ पर राणा सोहेल साहब क्राइम रिपोर्टर हैं, तो आप लोग ज़रा डर के बहुत पाकिस्तान से नुमाया साफिर हैं, यहाँ अखबार निकालते हैं और बहुत अच्छे अदब पर भी नज़र हैं, खूबसूरत तहरीर लिखते हैं, तो ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब रशीद नदीम साहब से को तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम सुनाएं। कोई है जो कर रहा है नाज बरदारी मेरी, कोई है जो कर रहा है नाज बरदारी मेरी, जो है रग रग में हमेशा जारी हो सारी मेरी। अर्श से आगे निकल जाता हूँ मैं बैठे बिठाए, अर्श से आगे निकल जाता हूँ मैं बैठे बिठाए, तुमने देखी ही नहीं है बर्क रफ्तारी मेरी। अर्श से आगे निकल जाता हूँ मैं बैठे बिठाए, तुमने देखी ही नहीं है बर्क रफ्तारी मेरी। उड़ रहा था आसमां दर आसमां कल रात में, उड़ रहा था आसमां दर आसमां कल रात में, और फरिश्ते कर रहे थे कफ्श बरदारी में। उड़ रहा था आसमां दर आसमां कल रात में, और फरिश्ते कर रहे थे कफ्श बरदारी मेरी। दूर रहना मुझसे ऐ खारो खसे दुनिया ज़रा, दूर रहना मुझसे ऐ खारो खसे दुनिया ज़रा, खाक कर डालेगी वरना तुमको चिंगारी मेरी। दूर रहना मुझसे ऐ खारो खसे दुनिया ज़रा, खाक कर डालेगी वरना तुमको चिंगारी मेरी। दिन ब दिन दुनिया की चमखम बढ़ रही है और इधर, दिन ब दिन दुनिया की चमखम बढ़ रही है और इधर, दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है बेजारी मेरी। दिन ब दिन दुनिया की चमखम बढ़ रही है और इधर, दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है बेजारी मेरी।
और कुछ तो रगबत भी नहीं दुनिया से मुझको और कुछ, कुछ तो रगबत भी नहीं दुनिया से मुझको और कुछ, भीड़ इतनी है कि आती ही नहीं बारी मेरी। थैंक यू। कुछ कुछ तो रगबत भी नहीं दुनिया से मुझको और कुछ, भीड़ इतनी है कि आती ही नहीं बारी मेरी। और फिर फिजा में इश्क के आसार जाहिर हो गए, फिर फजा में इश्क के आसार जाहिर हो गए, जैसे फिर से होने वाली है गिरफ्तारी मेरी। फिर फजा में इश्क के आसार जाहिर हो गए, जैसे फिर से होने वाली है गिरफ्तारी मेरी। और अब तो मैं खामोशी रहता हूँ कुछ कहता नहीं, अब तो मैं खामोशी रहता हूँ कुछ कहता नहीं, वो भी दिन थे जब जुबान चलती थी दो धारी मेरी। अब तो मैं खामोशी रहता हूँ कुछ कहता नहीं, वो भी दिन थे जब जुबान चलती थी दो धारी मेरी। और इसलिए मैं छोड़ आया था उन्हें एक दिन नदीम, वो समझते थे वफाओं को भी अय्यारी मेरी। इसलिए मैं छोड़ आया था उन्हें एक दिन नदीम, वो समझते थे वफाओं को भी अय्यारी मेरी। कोई है जो कर रहा है नाज बरदारी मेरी, जो है रग रग में हमेशा जारी और सारी मेरी। ख़वातीन आज़ाद, मुझे एक वाक़या जो लतीफ़े के तौर पे मुझे सुना है और लेकिन सच्चा वाक़या है, वो अहमद अदीम कासमी जब यहाँ तशरीफ़ लाए टोरंटो, तो उन्होंने बताया कि 50s के ज़माने में मुल्तान में एक मुशायरा था, सर्दी के दिन थे और क्या कहते हैं लोग कंबल वंबल पहने हुए बैठे हुए सुन रहे थे मुशायरा। तो जो शायर आ रहा था वो 3, 4, 5 सुना रहा था, तो ये सदर थे मुशायरे के, इन्होंने कहा कि मैं नहीं, अब सदर मुशायरे के तौर पर हुक्म देता हूँ कि एक से ज़्यादा कोई नहीं पढ़े। जो शायर उस पढ़े तो उठ के चले गए। 15 मिनट बाद दो सिपाही आए, उस ज़माने में वो कंबल चेस्टर पहनते थे पंजाब पुलिस, और डंडा लेके उन्होंने कहा ओ मुशायरे का सदर कौन है? मुशायरे कहता था ओ हवलदार जात में, कहा ये दो पर दो सुनाएगा। तो खामोशी से हमारी जो सदर मुशायरा हैं इख्तियारात बहुत खामोशी से इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि इनसे एक और गज़ल सुने, तो आप लोग इजाज़त देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें इजाज़त लेने का क्या फ़ायदा होता है। हाँ जी, हवा रहेगी मेरा नक्शे पा नहीं रहना, हवा रहेगी मेरा नक्शे पा नहीं रहना, मुझे खबर है मेरे बाद क्या नहीं रहना। हवा रहेगी मेरा नक्शे पा नहीं रहना, मुझे खबर है मेरे बात क्या नहीं रहना। खुमारे इश्क नशे की तरह उतरता है, क्या अच्छा है, खुमारे इश्क नशे की तरह उतरता है, सदा किसी ने यहाँ मुब्तला नहीं रहना। खुमारे इश्क नशे की तरह उतरता है, सदा किसी ने यहाँ मुब्तला नहीं रहना। तुझे खबर भी है शाइस्ते बहारे चमन, तुझे खबर भी है शाइस्ते बहारे चमन, किसी शजर ने हमेशा हरा नहीं रहना। तुझे खबर भी है शाइस्ते बहारे चमन, किसी शजर ने हमेशा हरा नहीं रहना। ये किस गुमान की है चश्मे नाज तू है असीर, ये किस गुमान की है चश्मे नाज तू है असीर, कोई हसीन कोई खुश अदा नहीं रहना। नशेबे मर्ग से होकर हमें गुजरना है, नशेबे मर्ग से होकर हमें गुजरना है, फिर उसके बाद तलिस्मे फना नहीं रहना। नशेबे मर्ग से होकर हमें गुजरना है, फिर उसके बाद तलिस्मे फना नहीं रहना। चलेंगी ऐसी तगाफुल की आंधियां हर सू, यहाँ किसी का कोई आशना नहीं रहना।
चलेंगी ऐसी तगाफुल की आंधियां हर सूर, यहाँ किसी का कोई आशना नहीं रहना, सभी का वक्त भी हद भी यहाँ मुकर्रर है, किसी ने भी यहाँ हद से सिवा नहीं रहना। ज़मीन से ताबा फलक बस यही मुनादी है कि इस ज़मीन पे जो भी रहा नहीं रहना, यही बताया गया है मेरे खुदा मुझको, कहीं पे कुछ भी तेरे माँ सिवा नहीं रहना। उसी के हुस्न की हैरत का आईना हूँ नदीम, उसी के हुस्न की हैरत का आईना हूँ नदीम, मुझे भी हुस्न अजल से जुदा नहीं रहना। बहुत शुक्रिया रशीद नदीम साहब। क्या वो, हाँ वो इसलिए आपने देखा ना, याद नहीं है, आपने तो कहा है तो मैंने नहीं है। अब सदर आती है हुक्म के बाद तो मेरे ख्याल से इस पाबंदी पर एक इतलाक जो इरफान सत्तार साहब पे भी होगा कि वो दो गज़लें सुनाएं। तो मैं सऊद सोनी साहब, यहाँ जो लोग बैठे हैं हमारे उसमें आफाक के रिसाला निकलता था, यहाँ से उसके एडिटर जनाब सज्जाद अदा साहब तशरीफ रखते हैं, आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और बहुत अहम इनका कंट्रीब्यूशन है इस शहर में। इनके साथ ही अमीर सौलत जाफरी साहब हैं जो यहाँ के इब्तदाई जो अदबी की खिदमात रही हैं उसमें शुरू से शामिल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। एक ख़ास मेहमान का मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो यहाँ लंदन से तशरीफ़ लाई हुई हमारे दो अमीर हसन आबिद, प्रोफेसर हसन आबिद साहब हुआ करते थे, मजाज साहब के साथ मशारे वगैरह भी उन्होंने पढ़े थे, तरक्की पसंद शायर थे, उनका इंतकाल हो गया। उनका शेर है कि ऐ ज़िंदगी की धूप में चलते हुए बदन, आ सामने के साये दीवार हम भी हैं। तो यहाँ मशारे में भी तशरीफ़ ला चुके हैं, उनकी बहन लंदन से यहाँ तशरीफ़ लाई हुई, मैं उनको खुश आमदेद कहता हूँ। और जब मजाज का जिक्र आया लखनऊ का, तो लखनऊ की एक और बड़ी अहम शख्सियत यहाँ मोहतरमा सबा साहिबा तशरीफ़ रखती हैं, सहबा साहिबा, जो कि उन महफिलों को लखनऊ के उन्होंने देखा हुआ है, और उनके साथ ही इरफान अशरफ साहब भी हैं। ये वो समाते हैं जो लखनऊ की अदबी महफिल का जिन्होंने नौजवानी में जिन्होंने उसको देखा यहाँ मौजूद हैं। मैं इन सब को यहाँ खुश आमदीद कहता हूँ और इरफान सत्तार साहब से गुजारिश करूँगा कि हवालदार साहब से मुझे पिटवाएं नहीं, तो आप उसका ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया अशफाक साहब, और ये सारी महफिल ज़ाहिर है आप ही की वजह से है और रौनक रहती है। और अशफाक साहब से आज एक वादा ले लिया गया है कि रहें कनाडा में कहीं भी, अदबी मामलात सारे इनके यहीं हुआ करेंगे और ये उसी तरह से तकारीब और मजालिस मुनक़द करेंगे। तो मैंने ये इनको ऑफ़र किया कि हम आपको वहाँ से पिक करके यहाँ लाने पर और वापस पहुँचाने पर तैयार हैं, लेकिन ये मामला जो हैं ये फीके नहीं पड़ने चाहिए, बहुत ज़रूरत है हम सबको इसकी। कोई तो है मुझे मेरे खिलाफ करता हुआ, कोई तो है मुझे मेरे खिलाफ करता हुआ, सवाल ये है वो मैं हूँ कि दूसरा कोई है। कोई तो है, कोई तो है मुझे मेरे खिलाफ करता हुआ, सवाल ये है वो मैं हूँ कि दूसरा कोई है, और तमाशा ख़त्म हुआ तो कोई ना होगा यहाँ, तमाशा ख़त्म हुआ तो कोई ना होगा यहाँ, ये लोग देखने वाले हैं सोचता कोई है, तमाशा ख़त्म हुआ तो कोई ना होगा यहाँ, ये लोग देखने वाले हैं सोचता कोई है, और सुना ये है कि है सबके लिए कोई ना कोई, सुना ये है कि है सबके लिए कोई ना कोई, तो यानी मेरे लिए भी है कोई, क्या कोई है, सुना ये है कि है सबके लिए कोई ना कोई, तो यानी मेरे लिए भी है कोई, क्या कोई है, वो मुझ बहार से गुजरा तो खिल उठा कैसा, वो मुझ बहार से गुजरा तो खिल उठा कैसा, कोई बताए कि ऐसा हरा भरा कोई है, वो मुझ बहार से गुजरा तो खिल उठा कैसा, कोई बताए कि ऐसा हरा भरा कोई है, और तबीब इश्क ज़रा दिल पे हाथ रख के बता, तबीब इश्क ज़रा दिल पे हाथ रख के बता, मरीज होंगे मगर मुझसे मुब्तला कोई है, तबीब इश्क, तबीब इश्क ज़रा दिल पे हाथ रख के बता,
मरीज होंगे मगर मुझसा मुब्तला कोई है, और मेरे सुकूत में शामिल मेरे सुखन में शरीक, मेरे सुकूत में शामिल मेरे सुखन में शरीक, हंसी बहुत है मगर इस मिजाज का कोई है। मेरे सुकूत में शामिल मेरे सुखन में शरीक, हंसी बहुत हैं मगर इस मिजाज का कोई है, और जिसे तवज्जो से वहशत हो दिलबरी से गुरेज, जिसे तवज्जो से वहशत हो दिलबरी से गुरेज, तमाम शहर में मुझ ऐसा सरफिरा कोई है। जिसे तवज्जो से वहशत हो दिलबरी से गुरेज, तमाम शहर में मुझ ऐसा सरफिरा कोई है। तो सऊद भाई शेर देखें कि सुखन बगैर कभी हो सका कोई मौजूद, सुखन बगैर कभी हो सका कोई मौजूद, कोई इमाम पैगंबर वली खुदा कोई है। सुखन बगैर कभी हो सका, सुखन बगैर कभी हो सका कोई मौजूद, सुखन बगैर कभी हो सका कोई मौजूद, कोई इमाम पैगंबर वली खुदा कोई है, और तेरा ख्याल था कोई मुझे बचा लेगा, तेरा ख्याल था कोई मुझे बचा लेगा, ये देख डूब रहा हूँ मैं चल दिखा कोई है। तेरा ख्याल था कोई मुझे बचा लेगा, ये देख डूब रहा हूँ मैं चल दिखा कोई है, ये दौर वो है कि जिसमें किसी का कोई नहीं, ये दौर वो है कि जिसमें किसी का कोई नहीं, किसी का कोई नहीं है बता तेरा कोई है, ये दौर वो है कि जिसमें किसी का कोई नहीं, किसी का कोई नहीं है बता तेरा कोई है, ये हम ही हैं कि किसी के अगर हुए तो हुए, ये हम ही हैं कि किसी के अगर हुए तो हुए, तुम्हारा क्या है कोई होगा कोई था कोई है, ये हम ही हैं कि किसी के अगर हुए तो हुए, तुम्हारा क्या है कोई होगा कोई था कोई है, मुकाबले पे मेरे खुद मेरे सिवा कोई है, नबर्दे जात से बढ़कर भी मारे का कोई है। पेश करता हूँ, तेरे लहजे में तेरा जहले दरूं बोलता है, तेरे लहजे में तेरा जहले दरूं बोलता है, बात करना नहीं आती है तो क्यों बोलता है, तेरे लहजे में तेरा जहले दरूं बोलता है, बात करना नहीं आती है तो क्यों बोलता है, और सुनने वालों पर मेरा हाल आया हो कैसे, सुनने वालों पर मेरा हाल आया हो कैसे, इश्क होता है तो वहशत में सुकून बोलता है, सुनने वालों पर मेरा हाल आया हो कैसे, इश्क होता है तो वहशत में सुकून बोलता है, और अक्ल इस बाब में खामोशी रहती है जनाब, अक्ल इस बाब में खामोशी रहती है जनाब, जब हो मौजू हकीकत तो जुनू बोलता है, अक्ल इस बाब में खामोशी रहती है जनाब, जब हो मौजू हकीकत तो जुनू बोलता है, गुफ्तगू क्या हो कि जब गोया हूँ आँखें तेरी, गुफ्तगू क्या हो कि जब गोया हूँ आँखें तेरी, चुप सी लग जाती है जब इनका फसूँ बोलता है, गुफ्तगू क्या हो कि जब गोया हूँ आँखें तेरी, चुप सी लग जाती है जब इनका फसूँ बोलता है, और तेरा अंदाज तखातुब तेरा लहजा तेरे लफ्ज़, तेरा अंदाज तखातुब तेरा लहजा तेरे लफ्ज़, वो जिसे खौफ खुदा होता है यूँ बोलता है, तेरा अंदाज तखातुब तेरा लहजा तेरे लफ्ज़, वो जिसे खौफ खुदा होता है यूँ बोलता है, और फूंक दी जाती है इस तरह मेरे शेर में रूह, फूंक दी जाती है इस तरह मेरे शेर में रूह, जैसे सांसों में कोई कुन फयकूं बोलता है। अब इतनी खूबसूरत गज़ल है जिसमें बोल नहीं आता है तो क्यों बोलता है, और नंबर मेरा आ रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं गज़ल के बजाय एक मुख्तस, हाँ इसलिए मैंने कहा मैं गज़ल नहीं बोलूँगा अपनी कराची की ज़बान में, मैं नज़्म बोलूँगा। एक मुख्तसर सी नज़्म है,
इसका अनुमान है, कोई मुझे याद क्यों रखेगा। पैगंबरों से ज़मीन खाली, तो मैं खुदा से भरा हुआ आसमान लेकर किसे दिखाऊंगा सीधा रास्ता। पैगंबरों से ज़मीन खाली, तो मैं खुदा से भरा हुआ आसमान लेकर किसे दिखाऊंगा सीधा रास्ता। कोई मेरी बात क्यों सुनेगा, कोई मेरे साथ क्यों चलेगा। ज़मीन पे सब मौजज़ों की फसलें भी कट चुकी हैं, ज़मीन पे सब मौजज़ों की फसलें भी कट चुकी हैं, जहाने दानिश की जायदादें भी बढ़ चुकी हैं। हज़ार हा सद हज़ार सदियाँ बस एक पल में सिमट चुकी हैं। सो जब ये पल भी गुजर चुके, मैं इस हज़ार हा सद हज़ार सदियाँ बस एक पल में सिमट चुकी हैं, मैं बस एक पल में सिमट चुकी हैं। सो जब ये पल भी गुजर चुकेगा, कोई मेरी बात क्यों करेगा, कोई मुझे याद क्यों करेगा। उसे एक लाइन मिल गया था, मैं एक पल से भी कम हूँ इस वसते जहाँ में। सो जब ये पल भी गुजर चुकेगा, कोई मुझे याद क्यों रखेगा, कोई मेरी बात क्यों करेगा। जी गज़ल में पेश कर मोहतरमा आजाद, मैं तो ले लूँ ऑफिशियली कम अज़ कम एक हो चुकी है जी। डूबे हुओं की एक निशानी में हम भी थे, डूबे हुओं की एक निशानी में हम भी थे, सूरज के साथ झील के पानी में हम भी थे। डूबे हुओं की एक निशानी में हम भी थे, सूरज के साथ झील के पानी में हम भी थे। आंधी उखाड़ती रही तहजीब के शजर, आंधी उखाड़ती रही तहजीब के शजर, और उस मुआशरे की कहानी में हम भी थे। आंधी उखाड़ती रही तहजीब के शजर, शुक्रिया। आंधी उखाड़ती रही तहजीब के शजर, और उस मुआशरे की कहानी में हम भी थे। लिखना जो था उसी से गुरेजा रहा कलम, लिखना जो था उसी से गुरेजा रहा कलम, इगवा कुनंदगाने मानी में हम भी थे। लिखना जो था उसी से गुरेजा रहा कलम, इगवा कुनंदगाने मानी में हम भी थे। लिखना जो था उसी से गुरेजा रहा कलम, इगवा कुनंदगाने महानी में हम भी थे। थी रोशनी देखो, थी हुस्नो इनकलाब से मुश्तरका दोस्ती, थी हुस्नो इनकलाब से मुश्तरका दोस्ती, कुछ रोज़ कारोबारे जवानी में हम भी थे। रोशन को मैंने इसलिए किया कि एक दफ़ा हम पकड़े गए थे किसी के साथ, तो ये उसको बचने से कराची के उस जमाने के। थी हुस्नो इनकलाब से मुश्तरका दोस्ती, कुछ रोज़ कारोबारे जवानी में हम भी थे। हमको भी एक शख्स ने चाहा था टूट कर, हमको भी एक शख्स ने चाहा था टूट कर, एक शख्स की सुराग रसानी में हम भी थे। माफ कीजिए गजल। हमको भी एक शख्स ने चाहा था टूट कर, खुशबू की तरह रात की रानी में हम भी थे। हमको भी एक शख्स ने चाहा था टूट कर,
खुशबू की तरह रात की रानी में हम भी थे, एक शख्स से शदीद मोहब्बत हमें भी थी, एक शख्स की सुराग रसानी में हमको भी एक शख्स ने चाहा था टूट कर, खुशबू की तरह रात की रानी में हम भी थे, एक शख्स से शदीद मोहब्बत हमें भी थी, एक शख्स की सुराग रसानी में हम भी थे। और दिल जो भी कह रहा था वो करते चले गए, दिल जो भी कह रहा था वो करते चले गए, हर लम्हा शौक़े नक़ले मकानी में हम भी थे। और मकता है कि जो शुक्र लफ्ज़ों पे जो ख्याल को देता था फौकियत, लफ्ज़ों पे जो ख्याल को देता था फौकियत, अशफाक उस गिरोह लिसानी में हम भी थे। किसी लिसानी तंजीम के रुकन नहीं हूँ मैं। लफ्ज़ों पे जो ख्याल को देता था अशफाकियत, अशफाक उस गिरोह लिसानी में हम भी थे। तो ख्वातीन आज़ाद अच्छा एक और, मिलने का बदल कैसे हो, याद उस शख्स की मिलने का बदल कैसे हो, सूखे तालाब के पानी में कमल कैसे, याद उस शख्स की मिलने का बदल कैसे हो, सूखे तालाब के पानी में कमल कैसे हो, दर्द से कोई ताल्लुक न इलाका गम से, दर्द से कोई ताल्लुक न इलाका गम से, सिर्फ लफ्ज़ों के बरतने से गज़ल कैसे, लफ्ज़ दर्द से कोई ताल्लुक न इलाका गम से, सिर्फ लफ्ज़ों के बरतने से गज़ल कैसे हो, हर मुलाकात अधूरी रही इस उलझन में, हर मुलाकात अधूरी रही इस उलझन में, यानी इजहार मोहब्बत में पहल कैसे, हर मुलाकात अधूरी रही इस उलझन में, यानी इजहार मोहब्बत में पहल कैसे हो, न तो मैं शाहजहाँ हूँ न वो मुमताज़ महल, मुझसे तामीर कोई ताज महल कैसे, न तो मैं शाहजहाँ हूँ न वो मुमताज़ महल, मुझसे तामीर कोई ताज महल कैसे हो। और शेर दिए दूसरे रुख कहें कि किन दरख्तों से लगा रखी है उम्मीद समर, किन दरख्तों से लगा रखी है उम्मीद समर, शाख ही जब न हो सरसब्ज तो फल कैसे हो, किन दरख्तों से लगा रखी है उम्मीद समर, शाख ही जब न हो सरसब्ज तो फल कैसे हो, सोचते कुछ हैं अमल कुछ है नतीजा कुछ है, किन दरख्तों से लगा रखी है उम्मीद समर, शाख ही जब न हो सरसब्ज तो फल कैसे हो, सोचते कुछ हैं अमल कुछ है नतीजा कुछ है, ऐसी सूरत में कोई मसला हल कैसे हो, किन दरख्तों से लगा रखी है, बहुत शुक्रिया, किन दरख्तों से लगा रखी है उम्मीद समर, शाख ही जब न हो सरसब्ज तो फल कैसे हो, सोचते कुछ हैं अमल कुछ है नतीजा कुछ है, ऐसी सूरत में कोई मसला हल कैसे हो। और सूरत हाल पॉलिटिकल तो ज़रूरी है, सूरत हाल बदल जाती है एक लम्हे में, मैंने तो खुद ही कहा था ना कि तू उसकी हुस्नो इनकलाब से मुश्तरका दोस्ती, तो कुछ इनकलाब वाला भी सोचते कुछ हैं अमल कुछ है नतीजा कुछ है,
ऐसी सूरत में कोई मसला हल कैसे हो। सूरत हाल बदल जाती है एक लम्हे में, सूरत हाल बदल जाती है एक लम्हे में, आदमी अपने इरादों में अटल कैसे हो। सूरत हाल बदल जाती है एक लम्हे में, आदमी अपने इरादों में अटल कैसे हो। और ये शेर है कि मेरे महबूब का उर्दू से रिश्ता कम कम, मेरे महबूब का, वो पॉलिटिकल नहीं है भाई है, मेरे महबूब का उर्दू से है रिश्ता कम कम, मैनू आंदी नहीं पंजाबी ते गल कैसे हो। मेरे महबूब का उर्दू से है रिश्ता कम कम, मैनू आंदी नहीं पंजाबी ते गल कैसे। तो ख्वातीन आज़ाद बहुत शुक्रिया, और आपने वो नमक के साथ एक लफ्ज़ होता है उसकी हक अदा किया। बहरहाल मुझे ख़ुद भी, मैं भी कई 2 साल से 8वां में हूँ, मैं कहीं वहाँ किसी महफिल में नहीं शरीक हुआ, ये पहली महफिल है। तो और सारे चेहरे दोस्त जाने पहचाने जिनके साथ यहाँ से 42 साल इस शहर में गुजरे, वो सब दोस्त अहबाब यहाँ हैं। तो मेरा भी जी चाह रहा था कि मैं एडवांटेज ले लूँ, और इसलिए मैंने मोहतरमा सदर साहबा की तब देखा ही नहीं। तो अब हम जिस शायर के, जिनके लिए हमने आज ये महफिल सजाई है, वो इस महफिल के वजह तौर पर हकदार हैं। एक अजीब व गरीब शेर का जो हम सब की जिंदगी, हमारी नस्ल के लिए जो एक बिल्कुल तावीज़ बना कर रखने वाला है, एक शेर था मैंने जो उनका पढ़ा। कागज़ की ये महक ये नशा टूटने को है, कागज़ की ये महक ये नशा टूटने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। इस शेर के खालिक हमारी इस तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान से आए हुए मेहमान शायर, हमारे दोस्त, हम सब के जो यहाँ बैठे हैं दोस्त, अब आप सब से इनके दरमियान ताल्लुक़ है, तशरीफ़ लाते हैं जनाब सऊद उस्मानी साहब। बहुत शुक्रिया अशफाक भाई, साहिब सदारत मोहतरमा शहनाज शुरू, मोहतरम अशफाक हुसैन साहब, अरबाब इल्म दानिश, ख़्वातीन हज़रात, इससे पहले कि मैं कुछ कलाम अपना पेश करूं, जैसा कि मुझे हुक्म दिया गया है, मुझे कुछ बातें याद आ रही थी तो वो मैं आपके सामने पहले कर लूँ। एक तो शायद ये कोई 1 साल पहले की बात होगी कि मुझसे किसी इंटरव्यू में अचानक पूछा गया, एक गैर मुतवक्के सवाल मुझसे पूछा गया कि पाको हिंद तो खैर उर्दू का मरकज़ हैं और उर्दू शायरी का मरकज़ रहे हैं हमेशा, लेकिन पाको हिंद से बाहर आपका आना जाना रहता है, आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा शहर है जो अब बड़ा मरकज़ है उर्दू का, कौन सा शहर ऐसा। अच्छा, ये बड़ा गैर मुतवक्के सवाल था, इसलिए कि अल्लाह का शुक्र है मेरा जाना आना होता है और लोगों से मुलाकात भी होती है, तो मेरे जहन में फौरी तौर पर ये बात आई कि मैं मकदार के लिहाज से बात इनसे कहूँ या मेयार के लिहाज से बात करूँ। तो मेरे जहन में ह्यूस्टन आया कि ह्यूस्टन में हमारे उर्दू गज़ल की इस वक्त सबसे बड़ी आवाज़ जनाब अहमद मुश्ताक मौजूद हैं, वहाँ आरिफ इमाम भाई मौजूद हैं और दूसरे लोग, न्यूयॉर्क का नाम आया और सिडनी का या दूसरे जो मराकज़ हैं, लेकिन सच्ची बात है कि उसके बाद मेरे जहन में टोरंटो का नाम आया और मेरे जहन में ये आया कि ये इस वक्त बैरूनी पाके हिंद से बाहर जो है सबसे बड़ा मरकज़ है, और मैं इसकी ये रस्मी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसकी तनवो के लिहाज से अगर मैं देखूं जितनी वैरायटी है,
सिर्फ शेर व अदब की नहीं और सिर्फ उर्दू की नहीं बल्कि आर्ट एंड कल्चर की और शेर शनासों की, तो मैं समझता हूँ कि मेयार के लिहाज से भी मकदार के लिहाज से भी ये दीगर शहरों पर फायक है, इसमें कोई शक नहीं मुझे। जहाँ अशफाक हुसैन मौजूद हों, जहाँ इरफान सत्तार मौजूद हों, जहाँ नसीम सैयद मौजूद हों, नसरीन सैयद मौजूद हों, जिस शहरान शेरो जैसी बाकमाल खातून मौजूद हों, और बात के हमारे लोगों में एक गोरा हमारे सामने बैठे हुए हैं, देरीना दोस्त हमारे ये हों, रशीद नदीम हों, ये बात के हमारे दोस्त हों, ये सब नाम ऐसे हैं कि इनमें से एक एक के फजाइल पर, इनके इनकी खसूसियात पर बहुत गुफ्तगू की जा सकती है। और मेरे लिए खुशकिस्मती की बात यह है कि इनमें से अक्सर से मेरा देरीना तारुफ ही नहीं, मेरी दोस्ती रही है इनसे। अशफाक भाई से बहुत पुराना मेरा ताल्लुक दोस्ती का है, इरफान सत्तार से उस वक्त से मेरा ताल्लुक है जब ये कराची में थे और अजम बहजाद के घर उनके से उनके मकबरे बहजाद लखनवी साहब के मज़ार के सामने चबूतरे पर महफिलें जमा करती थी, उस वक्त से मेरा इरफान साहब सत्तार से ताल्लुक है, रशीद नदीम साहब से ताल्लुक है। गोरा तो हमारे शहर के हैं और मैं अब भी इन्हें लाहौरी समझता हूँ, टोरंटो वाला नहीं समझता। तो ये सब वो लोग हैं, नसीम सैयद हैं हमारी बहुत अच्छी दोस्त। लेकिन कहने का मकसद ये था कि जो वैरायटी और जो शेरी तरबियत मैंने टोरंटो में देखी वो मुझे कहीं और नज़र नहीं आई, और इसके लिए बजा तौर पर मैं समझता हूँ कि उर्दू इंटरनेशनल इसलिए दाद का मुस्तहिक है कि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर लोगों को जमा किया और एक ऐसा मरकज़ अता किया कि जहाँ से लोग अपने अपना इजहार कर सकते। तो बहुत सी दाद अशराक भाई के लिए, उर्दू इंटरनेशनल के लिए, और मेरी बड़ी इज़्ज़त अफजाई है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं यहाँ हाज़िर तो पहली बार हुआ हूँ, कनाडा पहली बार आना हुआ है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारा रिश्ता जो होता है लिखने वालों का वो लफ्ज़ के ज़रिए होता है, वो मुलाकात के ज़रिए कम होता है। वो जो मीर साहब ने कहा था ना कि रोज़ मिलने पर नहीं नस्बत इश्की मौकूफ़, उम्र भर एक मुलाकात चली जाती है। तो वो एक मुलाकात आपकी किसी से गज़ल में होती है, किसी अफसाने में होती है, किसी मज़मून में होती है, किसी शेर में होती है, तो वो मुलाकात असल होती है। लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ तो इस महफिल की जो एक मुझे बहुत कमाल की बात, दो बातें बड़ी कमाल की लगें, वो एक तो ये कि शेरी तरबियत यहाँ की जो महसूस होती है और हर अच्छे शेर पर दाद और तहसीन और अच्छा जुमला, ये एक ट्रेंड ऑडियंस की निशानी है और इसके लिए आप सब दाद के मुस्तहिक हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और दूसरी खसूसियत इस महफिल की ये है कि ये अशफाक भाई ने मुख्तसर मकामी शुआरा पर मबनी रखी है, ज़्यादा शुआरा नहीं रखे, और उनको भी पाबंद कर दिया एक गज़ल या महदूद शेरों का। तो मुझे याद आया कि एक बार मुनीर नियाजी साहब हमारे बड़े मज़े के आदमी थे, क्या मज़े का जुमला बोलते थे, तो मुझे पता था कि वो मियाँ वाली गए हैं किसी मुशायरे में। अगले दिन या दो दिन बाद मेरी एक और मुशायरे में उनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा मुनीर साहब आप मियाँ वाली गए थे, कैसा रहा मुशायरा? तो जैसा उनका मखसूस अंदाज था ठहर ठहर के बोलने का, कहने लगे कि हाँ मैं मियाँ वाली वालों को शेर सुनाने गया था, लेकिन मैंने देखा कि पूरा मियाँ वाली मुझे शेर सुनाने आया हुआ। मुनीर नियाजी साहब का जो ख़ास अंदाज था और वो ख़ास तौर पर पंजाबी में जिस तरह बात करते थे, ये वो तो लुत्फ उसी में था। तो होता है कि मकामी शायरों को भी सुनने का, मेहमान का भी दिल चाहता है और मकामी शायरों का भी दिल चाहता है। तो लेकिन ये अशफाक साहब चूँकि पुराने यहाँ पर जानते भी हैं और दूसरा ये कि बड़ी महफिलें उनके डेकोरम को भी समझते हैं, तो उन्होंने बड़ा महदूद रखा। इसके लिए मैं एक और मुबारक पेश करता हूँ। और नाज़िम मुशायरा का ये बड़ा मसला होता है कि वो शायरों को पाँच शेरों तक महदूद कैसे रखें। मैं भी बहुत सारे मुशायरों की निज़ामतें करता रहा हूँ और
टीवी के भी कुछ फंक्शंस की मुशायरों की निजामत मैंने की है, तो मुझे एक वाकया याद आया अशफाक भाई, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का एक मुशायरा कंडक्ट कर रहा था, निजामत कर रहा था, और शायर बहुत थे और मैं हर शायर से ये दरख्वास्त कर रहा था कि आप बराए करम पाँच शेर वो सुनाएं, लेकिन कोई शायर मेरी बात नहीं सुन रहा था, और कोई 15 मिनट, कोई 20 मिनट, कोई आधा घंटा वो ले रहा था। तो अब एक साहब वहाँ होते थे, इकबाल दीवाना साहब, गोरा शायद जानते होंगे। अच्छा, उनका ख़ास बात ये थी कि वो आवामी किस्म के शायर थे, और वो जब माइक पर आते थे तो एक घंटे से पहले माइक नहीं छोड़ते, ये उनका एक ख़ास वो था। तो मैंने उनको बुलाने से पहले, अब मैंने कहा कि इनसे मैं दरख्वास्त भी करूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये छोड़ना तो नहीं है इन्होंने माइक, तो मैंने कहा जी मैं इकबाल दीवाना साहब को बुलाने से पहले एक फिलबदी शेर इनकी नज़र करता, और शेर है कि मुंतखब पढ़िए मुख्तसर पढ़िए, मुंतखब पढ़िए मुख्तसर पढ़िए, बाकी जो कुछ हो अपने घर पढ़िए। बाकी जो कुछ हो अपने घर पढ़िए, लेकिन साहब ऐसे मुस्तकिल मिजाज थे वो, उन्होंने एक घंटे से पहले हज़रत महमूद माइक नहीं छोड़ा। तो नाज़िम मुशायरा के लिए ये बड़ा मसला होता है कि हॉल में महदूद वक्त में किस तरह लोगों को अकोमोडेट करें। बहरहाल मैं बारह दीगर शुक्रिया अदा करता हूँ अशफाक साहब का, ख़ास तौर पर इरफान सत्तार का, आप सब दोस्तों का, और कुछ शेरों की मुझे इजाज़त हुक्म दिया गया है तो कुछ शेर मैं पेश करता हूँ कि कितने पानी मिलकर दरिया बनता है, कितने पानी मिलकर दरिया बनता है, बनते बनते कोई लहजा बनता है, कितने पानी मिलकर दरिया बनता है, बनते बनते कोई लहजा बनता है, एक ताल्लुक हिजर भी है हम दोनों में, एक ताल्लुक हिजर भी है हम दोनों में, तुझसे मेरा दूर का रिश्ता बनता है, एक ताल्लुक हिजर भी है हम दोनों में, तुझसे मेरा दूर का रिश्ता बनता है, और इश्क ने जैसे तुझको छू कर छोड़ दिया, तुझ पर अपनी जान का सदका बनता है, इश्क ने जैसे तुझको छू कर छोड़ दिया, तुझ पर अपनी जान का सदका बनता है, तुझ पर अपनी जान का सदका बनता है, और बागों में और बागों और दरियाओं और कोहसारों में देख हवा का कैसे रास्ता बनता है, देख हवा का कैसे रास्ता बनता है। और शेर सुनिएगा कि सब्जे से और मिट्टी से और पानी से, सबसे से और मिट्टी से और पानी से, कितने युगों में एक गालीचा बनता है, सबसे से और मिट्टी से और पानी से, कितने युगों में एक गालीचा बनता है। और शेर सुने इरफान के, लाखों बरसों में ये दुनिया बन तो गई, देखिए अब इस दुनिया का क्या बनता है, लाखों वर्षों में ये दुनिया बन तो गई, देखिए अब इस दुनिया का क्या बनता है, और बनते बनते कोई लहजा बनता है, हर रोज इम्तिहान से गुजारा तो मैं गया, हर रोज इम्तिहान से गुजारा तो मैं गया, तेरा तो कुछ गया नहीं मारा तो मैं गया, हर रोज इम्तिहान से गुजारा तो मैं गया, तेरा तो कुछ गया नहीं मारा तो मैं गया, जब तक मैं तेरे पास था बस तेरे पास था, जब तक मैं तेरे पास था बस तेरे पास था, तूने मुझे जमीन पे उतारा तो मैं गया, जब तक मैं तेरे पास था बस तेरे पास था, तूने मुझे जमीन पे उतारा
तो मैं गया और शल उंगलियों से थाम रखा है चट्टान को, शल उंगलियों से थाम रखा है चट्टान को, छूटा जो हाथ से ये किनारा तो मैं गया। और ये शेर देखिएगा कि अपनी अना की आहनी जंजीर तोड़कर, अपनी अना की आहनी जंजीर तोड़कर दुश्मन ने भी मदद को पुकारा तो मैं गया। अपनी अना की आहनी जंजीर तोड़कर दुश्मन ने भी मदद को पुकारा तो मैं गया। और तेरी शिकस्त असल में मेरी शिकस्त है, तेरी शिकस्त असल में मेरी शिकस्त है, तू मुझसे एक बार भी हारा तो मैं गया। तेरी शिकस्त असल में मेरी शिकस्त है, तू मुझसे एक बार भी हारा तो मैं गया। हर रोज इम्तिहान से गुजारा तो मैं गया, तेरा तो कुछ गया नहीं मारा तो मैं गया। जब तक मैं तेरे पास था बस तेरे पास था, जब तक मैं तेरे पास था बस तेरे पास था, तूने मुझे जमीन पे उतारा तो मैं गया। गुजारने से कोई दुख गुजर नहीं जाता, गुजारने से कोई दुख गुजर नहीं जाता, सो वो भी जा तो चुका है मगर नहीं जाता। गुजारने से कोई दुख गुजर नहीं जाता, सो वो भी जा तो चुका है मगर नहीं जाता। शेर सुने शनाज कि जो अक्स थे वो मुझे छोड़कर चले गए हैं, जो अक्स थे वो मुझे छोड़कर चले गए हैं, जो आईना है मुझे छोड़कर नहीं जाता। जो अक्स थे वो मुझे छोड़कर चले गए, जो आईना है मुझे छोड़कर नहीं जाता। शराब भाई ये सुने कि जहां खुलूस में गिरहें दिखाई देने लगे, जहां खुलूस में गिरहें दिखाई देने लगे, मैं उसके बाद वहां उम्र भर नहीं जाता। जहां खुलूस में गिरहें दिखाई देने लगे, वह उसके बाद वहां उम्र भर नहीं जाता। किसी से रब्ते मोहब्बत बहाल करने को, किसी से रब्ते मोहब्बत बहाल करने को, मैं दिल से कहता हूं जाता हूं पर नहीं जाता। किसी से रब्ते मोहब्बत बहाल करने को, मैं दिल से कहता हूं जाता हूं पर नहीं जाता। शेर सुने कि वो बर्फ पोश मोहब्बत इधर नहीं आती, वो बर्फ पोश मोहब्बत इधर नहीं आती, और इस पहाड़ का लावा उधर नहीं जाता। वो बर्फ पोश मोहब्बत इधर नहीं आती, वो बर्फ पोश मोहब्बत इधर नहीं आती, और इस पहाड़ का लावा उधर नहीं जाता। वो बर्फ पोश मोहब्बत इधर नहीं आती, और इस पहाड़ का लावा उधर नहीं जाता। और शेर सुने कि सुलगते देखे थे बचपन में आप दीदा चराग, सुलगते देखे थे बचपन में आप दीदा चराग, और आज तक मेरे दिल से असर नहीं जाता। सुलगते देखे थे बचपन में आप दीदा चराग, और आज तक मेरे दिल से असर नहीं जाता। हवाए दिल मेरा शौके सफर नहीं जाता, हवाए दिल मेरा शौके सफर नहीं जाता, उधर भी जाता हूं रास्ता जिधर नहीं जाता। हवाए दिल मेरा शौके सफर नहीं जाता, उधर भी जाता हूं रास्ता जिधर नहीं जाता। और शेर सुने इरफान के कयाम जैसी कोई हालत सफर है मेरी,
कयाम जैसी कोई हालत सफ़र है मेरी, हवा में जैसे परिंदा ठहर नहीं जाता। कयाम जैसी कोई हालत सफ़र है मेरी, कयाम जैसी कोई हालत सफ़र है मेरी, हवा में जैसे परिंदा ठहर नहीं जाता। कयाम जैसी कोई हालत सफ़र है मेरी, हवा में जैसे परिंदा ठहर नहीं जाता। मैं कबले हिजर जमानों में जिंदा हूँ मेरी जान, सो अब भी तुझसे बिछड़ने का डर नहीं जाता। मैं कबले हिजर जमानों में जिंदा हूँ मेरी जान, मैं कबले हिजर जमानों में जिंदा हूँ मेरी जान, सो अब भी तुझसे बिछड़ने का डर नहीं जाता। और एक ऐसे पेड़ का फॉसिल है मेरा इश्क सऊद, एक ऐसे पेड़ का फॉसिल है मेरा इश्क सऊद, जो मर तो जाता है लेकिन बिखर नहीं जाता, जो मर तो जाता है लेकिन बिखर नहीं जाता। हवाए दिल मेरा शौके सफर नहीं जाता, उधर भी जाता हूँ रास्ता जिधर नहीं जाता। कयाम जैसी कोई हालत सफर है मेरी, कयाम जैसी कोई हालत सफर है मेरी, हवा में जैसे परिंदा ठहर नहीं जाता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ नहीं बिल्कुल, वो आपको बहुत पसंद है, वो भी मैं पेश करता हूँ एक और गज़ल की अगर इजाज़त हो, तो पहले पेश करता हूँ कि पलट के चांद सियाह रात में नहीं आया, पलट के चांद सियाह रात में नहीं आया, सो फिर वो हाथ मेरे हाथ में नहीं आया। पलट के चांद सियाह रात में नहीं आया, वो फिर वो हाथ मेरे हाथ में नहीं आया। वो नाचता हुआ जंगल वो जागता हुआ ख्वाब, वो नाचता हुआ जंगल वो जागता हुआ ख्वाब, वो मोर फिर मेरे बागात में नहीं आया। वो नाचता हुआ जंगल वो जागता हुआ ख्वाब, वो मोर फिर मेरे बागात में नहीं आया। और गोरा शेर सुनिए कि ये शोभ दे न दिखा, ये शोभ दे न दिखा दिल दिखा मुझे कि फकीर, ये शोभ दे न दिखा दिल दिखा मुझे कि फकीर, तलाश कशफ व करामात में नहीं आया। ये शोभ दे न दिखा दिल दिखा मुझे कि फकीर, तलाश कशफ व करामात में नहीं आया, तलाश कशफ व करामात में नहीं आया। न जाने कब से उसी एक पल के हाथ में हूँ, वो एक पल जो मेरे हाथ में नहीं आया। न जाने कब से उसी एक पल के हाथ में हूँ, वो एक पल जो मेरे हाथ में नहीं आया। और ये मानसून तो फिर आ बसा है आंखों में, ये लफ्ज़ देखें सर, ये मानसून तो फिर आ बसा है आंखों में, और अब की बार ये बरसात में नहीं आया। ये मानसून तो फिर आ बसा है आंखों में, और अब की बार ये बरसात में नहीं आया। और हजार बार मोहब्बत में तंग आया, मगर हजार शुक्र के जज्बात में नहीं आया। हजार बार मोहब्बत में तंग आया, मगर हजार शुक्र के जज्बात में नहीं आया। और इसमें ये शेर सुनिए कि मैं ढूंढता हुआ आया हूँ जिंदगी अपनी, मैं ढूंढता हुआ आया हूँ जिंदगी अपनी, मैं तुमसे शौक मुलाकात में नहीं आया। मैं ढूंढता हुआ आया हूँ जिंदगी अपनी, मैं तुमसे शौक मुलाकात में नहीं आया। तमाम उम्र जले हैं कुठालियों में सऊद,
तमाम उम्र जले हैं कुठालियों में सऊद, ये सोजे इश्क है एक रात में नहीं आया। तमाम उम्र जले हैं कुठालियों में सऊद, ये सोजे इश्क है एक रात में नहीं। मैं ज्यादा वक्त तो नहीं ले रहा हूँ आपका। खुशबू ही कुछ ऐसी थी कि महका गया मुझको, खुशबू ही कुछ ऐसी थी कि महका गया मुझको, वो पहली मुलाकात में ही भा गया मुझको। खुशबू ही कुछ ऐसी थी कि महका गया मुझको, वो पहली मुलाकात में ही भा गया मुझको। लफ्जों में कोई बात न थी दिल शिकनी की, लहजा मगर ऐसा था कि बस खा गया मुझको। लफ्जों में कोई बात न थी दिल शिकनी की, लहजा मगर ऐसा था कि बस खा गया मुझको। रास आ गया मुझको भरी तन्हाई में रहना, और ये भी गनीमत है कि रास आ गया मुझको। रास आ गया मुझको भरी तन्हाई में रहना, और ये भी गनीमत है कि रास आ गया मुझको। तुम हो और सर्दी में खुशबू कॉफी की, तुम हो और सर्दी में खुशबू कॉफी की, मैंने शायद बाकी उम्र इजाफी की। तुम हो और सर्दी में खुशबू कॉफी की, मैंने शायद बाकी उम्र इजाफी की। एक सुनहरे रेशम में दिल लिपटा है, एक सुनहरे रेशम में दिल लिपटा है, तुमने मुझ में कैसे ये जरबाफी की। एक सुनहरे रेशम में दिल लिपटा है, तुमने मुझ में कैसे ये जरबाफी की। और एक एहसासे जुर्म जो था चुप रहने का, एक एहसासे जुर्म जो था चुप रहने का, शेर लिखे और सारी उम्र तलाफी की। एक ऐसा से जुर्म जो था चुप रहने का, एक ऐसा से जुर्म जो था चुप रहने का, शेर लिखे और सारी उम्र तलाफी की। तुम हो और सर्दी में खुशबू कॉफी की। एक ताज़ा गज़ल अशफाक भाई, और उसके बाद एक नज़्म पर मैं ख़त्म करूँगा। हाँ, एक गज़ल की फरमाइश है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कितना वक्त है आपके पास या नहीं। बहुत बेहतर। एक ताज़ा गज़ल इरफान, शायद आपके लिए भी नहीं हो, कि दुनिया सब आजमाई हुई है फ़कीर की, दुनिया सब आजमाई हुई है फ़कीर की, देखी हुई दिखाई हुई है फ़कीर की, दुनिया सब आजमाई हुई है फ़कीर की, देखी हुई दिखाई हुई है फ़कीर की। शेर सुने कि ये ज़िंदगी है रात की रोटी का जायका, ये ज़िंदगी है रात की रोटी का जायका, रोटी भी वो जो खाई हुई है फ़कीर की। ये ज़िंदगी है रात की रोटी का जायका, ये ज़िंदगी है रात की रोटी का जायका, रोटी भी वो जो खाई हुई है फ़कीर की। बहरूपिये फ़कीर से क्या तेरा वास्ता, बहरूपिये फ़कीर से क्या तेरा वास्ता, ये शक्ल क्यों बनाई हुई है फ़कीर की। बहरूपिये फ़कीर से क्या तेरा वास्ता, बहरूपिये फ़कीर से क्या तेरा वास्ता, ये शक्ल क्यों बनाई हुई है फ़कीर की, ये शक्ल क्यों बनाई हुई है फ़कीर की। और प्यारे समंदरों से भी ये तिश्नगी न जाए, ये प्यास तो पिलाई हुई है फ़कीर की। प्यारे समंदरों से भी ये तिश्नगी न जाए,
ये प्यास तो पिलाई हुई है फकीर की। और भाई शेर सुने कि हुजरे का ये चराग भड़कता है बार बार, हुजरे का ये चराग भड़कता है बार बार, अच्छा तो आज आई हुई है फकीर की। हुजरे का ये चराग भड़कता है बार बार, अच्छा तो आज आई हुई है फकीर की, अच्छा तो आज आई हुई है फकीर की, कूजे में आब ताज़ा चंगेरी में नाने खुश्क, कूजे में आब ताज़ा चंगेरी में नाने खुश्क, दुनिया से क्या रिहाई हुई है फकीर की, कूजे में आब ताज़ा फकीरी तंगेरी में नारे खुश्क, दुनिया से क्या रिहाई हुई है फकीर की। और तूने फकीर इरफान शेर सुने कि तूने फकीर को बहुत आज़ार, खैर छोड़, तूने फकीर को बहुत आज़ार, खैर छोड़, तू भी बहुत सताई हुई है फकीर की। तूने फकीर को बहुत आज़ार, खैर छोड़, तू भी बहुत सताई हुई है फकीर की। और दिल रख गया है कोई कफे दस्त पर सऊद, दिल रख गया है कोई कफे दस्त पर सऊद, देखो तो क्या कमाई हुई है फकीर की। दिल रख गया है कोई कफे दस्त पर सऊद, देखो तो क्या कमाई हुई है फकीर की, दुनिया सब आजमाई हुई है फकीर की, देखी हुई दिखाई हुई है फकीर की। एक फरमाइश इरफान की है, मेरी पहली किताब कौस जो यहाँ मौजूद है उसकी गजल है, वो मैं चंद शेर जो याद आते हैं पेश करता हूँ। कि खंडर के ज़ौक नुमाइश पे दंग होता हुआ, खंडर के ज़ौक नुमाइश पे दंग होता हुआ, मैं देखता रहा मलबे पे रंग होता हुआ, खंडर के ज़ौक नुमाइश पे दंग होता हुआ, मैं देखता रहा मलबे पे रंग होता हुआ, कदीम पेड़ हूँ और मुंजमित चट्टान में हूँ, कदीम पेड़ हूँ और मुंजमित चट्टान में हूँ, अजीब कर्ब से गुजरा हूँ संग होता हुआ, कदीम पेड़ हूँ और मुंजमित चट्टान में हूँ, अजीब कर्ब से गुजरा हूँ संग होता हुआ, और फराज़े गम से कई रास्ते उतरते हुए, फराज़े गम से कई रास्ते उतरते हुए, दिल अपने दश्त की वुसत से तंग होता हुआ, फराज़े गम से कई रास्ते उतरते हुए, दिल अपने दश्त की वुसत से तंग होता हुआ, और कभी कभी मेरे दिल में धमाल पड़ती हुई, कभी कभी मेरे दिल में धमाल पड़ती हुई, कभी कभी कोई मुझ में मलंग होता हुआ, कभी कभी मेरे दिल में धमाल पड़ती हुई, कभी कभी कोई मुझ में मलंग होता हुआ, खंडर के ज़ौक नुमाइश पे दंग होता हुआ, मैं देखता रहा मलबे पे रंग होता हुआ। अजब खजालत जहाँ है नजर तक आई हुई, अजब खजालत जहाँ है नजर तक आई हुई, कि जैसे जख्म की तकरीब रूनुमाई हुई, अजब खजालत जहाँ है नजर तक आई हुई, कि जैसे जख्म की तकरीब रूनुमाई हुई, नजर तो अपने मनाजिर के रम्स जानती है, कि आंख कह नहीं सकती सुनी सुनाई हुई, नजर तो अपने मनाजिर के रम्स जानती है, कि आंख कह नहीं सकती सुनी सुनाई हुई,
और शेर सुने सर के बरून खाक फकत चंद ठीक रहे हैं मगर, बरून खाक फकत चंद ठीक रहे हैं मगर, यहाँ से शहर मिलेंगे अगर खुदाई हुई। बरून खाक फकत चंद ठीक रहे हैं मगर, यहाँ से शहर मिलेंगे अगर खुदाई। खबर नहीं है कि तू भी वहाँ मिले ना मिले, अगर कभी मेरे दिल तक मेरी रसाई हो। खबर नहीं है कि तू भी वहाँ मिले ना मिले, अगर कभी मेरे दिल तक मेरी रसाई हुई। मैं आंधियों के मुकाबिल खड़ा हुआ हूँ सबूत, पड़ी है फसल मोहब्बत कटी कटाई हुई। मैं आंधियों के मुकाबिल खड़ा हुआ हूँ सबूत, पड़ी है फसल मोहब्बत कटी कटाई हुई। बस आखिर में एक नज़्म मैं पेश करके इजाज़त चाहूँगा। नज़्म का उन्वान है बचपन का एक इतवार, और वो चूँकि हर शख्स की याददाश्तों में बचपन की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो भी सिर्फ उसी दौर के साथ ख़ास होती हैं। बाद में अपने प्यारे बिछड़ जाते हैं, लोग मुंतशिर हो जाते हैं, आपके दिल में ज़ख्म रह जाते हैं। तो वो बचपन की वाक़यात या उस उन ज़माने की जो माहौल है वो हम सबको याद होता है, तो मुझे भी वो बहुत हॉन्ट करता है आज तक। उस हवाले से मेरी एक नज़्म है बचपन का एक इतवार, वो पेश करता हूँ। हाँ, उधर बात चाय पी रहे हैं तो बहुत आवाज़ आ रही थी, थोड़ा सा बैठ जाए भाई कुर्सी, मेरी आवाज़ नहीं जा रही। बचपन का एक इतवार, सुरीली कुमरियाँ हक सिरहु गर्दान करती हैं तो घर बेदार होता है। सुरीली कुमरियाँ हक सिरहु गर्दान करती हैं तो घर बेदार होता है। घने पीपल से छनती रोशनी की दस्तकों से शर्क रोया खिड़कियों की आँख खुलती है। घने पीपल से छनती रोशनी की दस्तकों से शर्क रोया खिड़कियों की आँख खुलती है। बिछे बिस्तर सिमटते हैं तो कमरे जाग उठते हैं। घने पीपल से छनती रोशनी की दस्तकों से शर्क रोया खिड़कियों की आँख खुलती है। बिछे बिस्तर सिमटते हैं तो कमरे जाग उठते हैं। मैं एक पीढ़ी पे बैठा हूँ, मैं एक पीढ़ी पे बैठा हूँ, गुंधे मैदे के एक पतले वरक की सोंध फैली है। मैं एक पीढ़ी पे बैठा हूँ, गुंधे मैदे के एक पतले वरक की सोंध फैली है। मेरी अम्मी किसी बोतल के ढकने से शहाबी गोल टुकड़े काटती हैं और तिकोने बचती जाती हैं। मैं एक पीढ़ी पे बैठा हूँ, गुंधे मैदे के एक पतले वरक की सोंध फैली है। मेरी अम्मी किसी बोतल के ढकने से शहाबी गोल टुकड़े काटती हैं और तिकोने बचती जाती हैं। ये मंजर नीम खामोशी का मंजर एक शर्राटे में ढलता है। कड़ाही में उबलता आईना इन गोल टुकड़ों और तिकोनों को सुनहरे जर्द रंगों में बदलता है। ये मंजर नीम खामोशी का मंजर एक शर्राटे में ढलता है। कड़ाही में उबलता आईना इन गोल टुकड़ों और तिकोनों को सुनहरे जर्द रंगों में बदलता है। एक ऐसे ख्वाब में बेदार हूँ जिसमें मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरी बहनें, मेरे भाई मेरे अतराफ में हैं और मैं उनसे बात करता हूँ। मैं उनको छेड़ता हूँ, तंग करता हूँ। ये सब बातें तो उनसे आज भी होती हैं, लेकिन उस घड़ी, उस वक्त, उस दिन मैं पिघलते वक्त के उस मुंजमिट टुकड़े में उनको छू भी सकता था। एक ऐसे ख्वाब में बेदार हूँ जिसमें मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरी बहनें, मेरे भाई मेरे अतराफ में हैं और मैं उनसे बात करता हूँ। मैं उनको छेड़ता हूँ, तंग करता हूँ।
ये सब बातें तो उनसे आज भी होती हैं, लेकिन उस घड़ी उस वक्त उस दिन मैं पिघलते वक्त के उस मुंजमी टुकड़े में उनको छू भी सकता था। हमारे कह कहूँ की गूंज आंगन में बिखरती है, महकती मुस्कुराती सुबह का रेशम फिसलता है। हमारे कहकों की गूंज आंगन में बिखरती है, महकती मुस्कुराती सुबह का रेशम फिसलता है। और अब इतने दिनों के बाद फिर इतवार का दिन है, और अब इतने दिनों के बाद फिर इतवार का दिन है। जो मुझको पालता था अब वही घर मुझ में पलता है। और अब इतने दिनों के बाद फिर इतवार का दिन है, जो मुझको पालता था अब वही घर मुझ में पलता है। सुनहरे वक्त का एक मुंजमी टुकड़ा मेरे अंदर पिघलता है, और अब की बार शर्राटा मेरे दिल से निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सऊद साहब, और हम इन लोगों ने आपकी शायरी को जितनी तवज्जो से मोहब्बत से सुना आपको उसका अंदाज़ा हुआ होगा, और इंशाल्लाह हमारे बड़े मुशायरे भी होंगे उसमें भी आप तशरीफ़ लाएंगे और आपको तवज्जो से सुनेंगे। और अब मैं सदर मोहतरमा डॉक्टर शहनाज शोहरा साहिबा से गुजारिश करूँगा कि वो आखिर में अपने ख्याल का इजहार करें। डॉक्टर शोहरा साहब अंग्रेज़ी अदब की प्रोफेसर हैं, कराची में आज थीसिस वगैरह लिखने के सिलसिले में यहाँ मुकीम है, और अभी भी 1530 से उनका सिलसिला है। हाल ही में उन्होंने यॉर्क यूनिवर्सिटी यूके से ऑनर किलिंग के मौजू पर PhD की है, और अफसाने बुनियादी इनका हवाला अफसानों का है, 3 इनके अफसानों की किताबें आ चुकी हैं, तनकीद की भी किताबें हैं। तो ये हमारे लिए टोरंटो में भी जैसे आधे इमिग्रेंट आधा पाँव उधर आधा पाँव उधर, जब इनका पाँव इधर होता है तो टोरंटो का पलड़ा झुक जाता है। हम गुजारिश करेंगे आपसे तशरीफ लाएं। शुक्रिया जनाब अशफाक साहब और सऊद उस्मानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी ये खूबसूरत शायरी सुनने को मिली, तो आपने देख ही लिया होगा कि लोग आपकी शायरी के साथ जो है वो क्या आप दाद दे रहे थे और आपके साथ जुड़े हुए थे। तो ख़वातीन व हज़रात, हम सब का ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तानी सियासत को भी हम जानते हैं। पाकिस्तान में जब भी एमरजेंसी में जब सदर ढूंढा जाता है तो उससे एक ही काम मतलूब होता है कि ये असम्बलियाँ तोड़ेगा। और आप मेरे दाद या मुझे दाद दीजिए, मेरे हौसले की तारीफ कीजिए कि इंतजाम भी पूरे थे, वो तो रशीद नदीम ने रोक लिया। तो यह है कि सबसे पहली तारीफ़ अशफाक साहब की बनती है, उर्दू इंटरनेशनल की बनती है, और उसके बाद आप जो साहिब ज़ौक़ अफराद हैं उनकी बनती है। जब भी मैंने यहाँ कोई मुशायरा अटेंड किया है तो लोग भी कहते हैं, शोरा ख़ुद भी इस बात की तायीद करते हैं कि जो एक तारीफ देने का एक जो तमीज़ और तहजीब होती है वो टोरंटो के बासियों में या कनाडा के बासियों में जो है वो इस कदर, जिसको कहते हैं बदरजा उत्तम, मौजूद है कि लुत्फ आ जाता है, किस शेर पर दाद देनी है, किस मिसरे को उठाना है, बहुत खुशी होती है सब सुनकर। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, मैं गैर शायरा हूँ, तो आपने देख ही लिया कि सदारत की कुर्सी पर बैठी थी तो भी वो सलूक नहीं हुआ जो शायर जब सदारत की कुर्सी पर बैठता है जो उसके साथ किया जाता है। शायरी के साथ मेरा बड़ा अजीब व गरीब रिश्ता है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि बग़ैर शायरी को समझे या शायरी के साथ जो लोग नहीं जीते वो ज़िंदगी कैसे गुजार लेते हैं। और उर्दू शायरी का मिजाज, मैं अंग्रेज़ी शायरी के साथ मैंने एक उम्र बिताई है। मैं आज भी मानती हूँ कि T.S. Eliot की नज़म 20वीं सदी की सबसे बड़ी नज़म है,
लेकिन मेरे साथ, मेरे वजूद के साथ, मेरे जज्बात, मेरे ख्यालात, मेरे दुखों के साथ कोई चीज़ जुड़ी हुई है तो वो उर्दू शायरी है। अच्छा, हम में से अक्सर सोचते ही होंगे कि दुनिया के कई ममालिक हैं, बहुत अरसे से वो नक्शे पर मौजूद हैं, बहुत पैसा है, लेकिन जब उनका ज़िक्र छिड़ता है तो ज़िक्र छिड़ता है उनकी बिल्डिंग्स का, किसके पास कितनी टॉल बिल्डिंग है, किसके पास कितने रिजर्व्स हैं, किसके पास क्या है, लेकिन जब तहजीब की बात आती है तो हम जिक्र करते हैं मोइंजोदड़ो की तहजीब का, यूनान की तहजीब का, बाबुल और नैनवा की तहजीब का, हिंदुस्तान की तहजीब का। और मैं आपको बताऊं, बड़ी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा जब मैंने ये रिसर्च शुरू की कि आखिर पैसे के साथ तहजीब का ताल्लुक क्यों नहीं जुड़ता। वो इसलिए नहीं जुड़ता कि पैसा आपकी जो सतही ज़िंदगी है उसके साथ आपको एक खुशहाली देता है, लेकिन जिन माशरों में एक तवील अरसे तक फ़नून लतीफ़ा न सिर्फ पैदा होते हैं बल्कि वो आम आदमी के वजूद में सरायत कर जाते हैं, उसकी वहाँ पर तहजीबों का जन्म होता है। पांच, जिस तरह हमारे पास पांच हवासे खमसा हैं, इसी तरह फ़नून लतीफ़ा के पांच अज्जा हैं: मुसव्विरी, मौसीकी, संगतराशी। मुसव्विरी, मौसीकी, संगतराशी, और चौथा आप मुझे याद करवाइए, और पांचवा है शायरी, रक्स और शायरी। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये जो तरतीब है, ये तरतीब कैसी है, तो सबसे पहले मैंने बोतिका देखी कि देखो यूनानी क्या कहते हैं, वो मुजस्समा साजी को पहले नंबर पर रखते हैं, शायरी को सबसे बुलंद, यानी तरतीब इस तरह जाती है ना, पाँच, चार, तीन, दो, एक, शायरी वहाँ मौजूद है। मेरा पसंदीदा तरीन नक़ाद मथ्यू आर्नल्ड कहता है कि शायरी तहजीब के पहले दर्जे पर है। टी एस एलियट तक आ जाइए तो वो ये कहता है कि शायरी जिस माशरे में नहीं है वो माशरा तहजीब से आरी है। तो कैनेडा में, जहाँ पर 50-60 बरस पहले शायद एक आध उर्दू बोलने वाला होगा और वो दूसरे को देखता होगा तो हैरत करता होगा, और आज आप यहाँ देखिए कि एक तहजीब जुड़ चुकी है और उसकी बिना रखी है जनाब अशफाक हुसैन साहब ने। उर्दू इंटरनेशनल और अशफाक साहब को मुबारक, और आप तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने शोरा के साथ साथ मुझे भी बर्दाश्त किया। ख्वातीन आज़ाद, 2:59 हुए हैं, 3 बजे हमें यहाँ तक प्रोग्राम चलाना था, तो आप सब के तआवुन का बहुत बहुत शुक्रिया।